सेटिंग आता हेलो। यस 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 मैम, नाउ ओके वी फाइन कैन फाइन डू फाइन। इट। या ओके सो आई विल स्टार्ट द मीटिंग देन। अच्छा वन वन थिंग, कोई भी ना मतलब सब में से कोई भी एक हैंड रेस करके प्लीज अनम्यूट रहिएगा। मतलब हर 5 मिनट में मुझे एक ये बताना कि मेरा आवाज ऑडिबल है कि नहीं। ठीक है, सो रिस्पॉन्ड मी बैक आफ्टर एवरी 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, श्योर सो श्योर, ओके चिन्मय यू आर देयर? ओके यस यस, आई'ल डू दैट, फाइन मैं फाइन कर लूंगा। फाइन फाइन फाइन। लेट अस स्टार्ट द मीटिंग राइट, स्क्रीन शेयरिंग। ओके माय स्क्रीन इज विजिबल, यस, इट्स विजिबल। सो लेट अस स्टार्ट द मीटिंग देन। ओके विल स्टार्ट विथ सम बेसिक्स। तो एआरएम जो है इट इज अ वन क्लिक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। एआरएम के अंदर आप इंडेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शन इंडेक्स ट्रेडिंग, जिसमें सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी है, और आप सिर्फ बाइंग कर सकते हो, सेलिंग नहीं कर सकते एआरएम में। ठीक, एआरएम के अंदर सेल्फ हेल्प भी प्रोवाइड की गई है। आपको किसी भी बटन या फिर फील्ड के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, राइट क्लिक ऑन दैट बटन और फील्ड, और फिर आपको एक पॉपअप आ जाएगा जिसके अंदर उसकी इंफॉर्मेशन होगी। एआरएम के अंदर ब्लू कलर में जितने भी फील्ड्स या फिर बटन है, दोज आर एडिटेबल और क्लिकेबल। ठीक है, तो एक तो आप एडिट कर सकते हो या फिर उसको क्लिक कर सकते हो। आपको ऑडियो मैसेजेस भी है, एंड रिकमेंडेड हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आर विंडोज 8, 10, 11, 64 बिट चाहिए। सीपीयू जो है 6th जनरेशन i3 ऑनवर्ड चाहिए, एंड रैम शुड बी 8 GB। ठीक, सो दीज आर सम बेसिक्स। सो व्हाट आई विल डू दिस टाइम इज, मैंने एआरएम यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, सो विल गो विद द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। ठीक है, सो अभी सॉफ्टवेयर में आपको दो विंडोज आएंगी। द फर्स्ट इज कंसोल विंडो, ये जो ब्लैक विंडो है इसे कंसोल विंडो बोलते हैं, एंड ये वाली जो विंडो जिसमें आप ट्रेड लेते हो इसको हम जीयूआई विंडो बोलते हैं। ठीक है, तो कंसोल विंडो में आप जो कोई भी ट्रेड लेंगे एआरएम में, वो सारी ट्रेड की इंफॉर्मेशन, कहाँ लिया, कितने पे लिया, कब लिया, वो सब आपको इस कंसोल विंडो में आ जाएगा। जब आप लॉग आउट करेंगे तब ये कंसोल विंडो में जो कुछ लिखा हुआ है उसके पीडीएफ फाइल आपके एआरएम के फोल्डर में आ जाएगी, इन अ लॉग फोल्डर। लॉग नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर ही आपकी पीडीएफ फाइल में आ जाएगी विथ टाइम स्टैम्प। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कंसोल। तो अब हम जीयूआई की तरफ जाएंगे। जीयूआई के अंदर अब मैंने लॉग इन नहीं किया है। ठीक, तो अब लॉग इन करने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स करनी रहती है। सो फर्स्ट वी विल सी ट्रेडिंग क्वेश्चन मार्क। सो इसके अंदर आपको दो मोड्स मिलेंगे, फर्स्ट इज पेपर मोड एंड देन इज पेपर रियल, बोथ मोड। ठीक है, तो अब ये मोड जो है ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है? आपके लाइसेंस टाइप के ऊपर डिपेंड रहता है। तो अगर आपका लाइसेंस टाइप इज पेपर लाइसेंस, तो आप डिफॉल्ट मोड लॉग इन करते वक्त पेपर ओनली में लॉग इन करेंगे। ठीक, अगर आपका लाइसेंस टाइप इज रियल लाइसेंस, देन योर डिफॉल्ट मोड ड्यूरिंग लॉग इन विल बी पेपर रियल बोथ। और अगर आपके पास पेपर है तो आपको सिलेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब आप अगर सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे दैट इज पेपर रियल बोथ, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज योर लाइसेंस इज पेपर, आप रियल ट्रेडिंग नहीं कर सकते पेपर में। अगर आपके पास रियल लाइसेंस है तो आप पेपर ओनली मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब इन दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? पेपर ओनली मोड में आप आपका बैलेंस एडिट कर सकते हो, दैट इज आप आपका डमी बैलेंस डाल सकते हो। पेपर रियल बोथ में आपका बैलेंस आप एडिट नहीं कर सकते, यहाँ पे वो बैलेंस आएगा जो आपका जीरोदा में बैलेंस है। ठीक, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेपर रियल बोथ एंड पेपर ओनली। ठीक, यस मैम, सो ओके तो अभी मैंने लॉग इन करते वक्त पेपर ओनली में लॉग इन पेपर ओनली में लॉग इन कर रही हूँ, एंड मैंने यहाँ पे ऑडियो जो है इसे ऑफ कर दिया। तो ऑडियो ऑफ इसलिए किया है कि अभी हमारी जो लॉगिन प्रोसेस है वो फास्टर हो जाएगी ऑडियो ऑफ किया है तो। ठीक, यहाँ पे हमें आपका यूजर आईडी डालना है, तो अब मैंने मेरा यूजर आईडी यहाँ पे डाला। ठीक, यूजर आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, इसके अंदर लॉगिन का ऑप्शन है।
तो आप एज लॉग इन कर सकते हो, मैनुअल लॉग इन कर सकते हो, या फिर क्रोम लॉग इन कर सकते हो. अब इसमें से क्रोम एंड एज दिस बोथ आर ऑटोमेटिक, एंड मैनुअल में आपको मैनुअली ई टोकन जो है वो डालना पड़ेगा. सो अभी लॉग इन करते वक्त आई विल शो यू हाउ टू यूज क्रोम लॉग इन. ठीक है, तो क्रोम लॉग इन पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया. आपको ऐसी एक पॉपअप विंडो आएगी, लॉग इन की पॉपअप विंडो. यहाँ पे कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये एक बार आपको रीड कर लेना है. ठीक है, उसके बाद आते हैं अंडरलिंग की तरफ. अभी अंडरलिंग में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको स्पॉट में लॉग इन करना है कि फ्यूचर में लॉग इन करना है. ठीक, तो अभी डिफॉल्ट फ्यूचर में है, सो आई विल गो विथ फ्यूचर. फ्यूचर में है. अभी ओके पे क्लिक करने से पहले आपको आपके जीरोदा में लॉग इन करना है. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल लॉग इन इन जीरोदा. ओके, जस्ट अ सेकेंड. ठीक, अब मैंने एआरएम में सॉरी अब मैंने जीरोदा में लॉगिन कर दिया है. अब जीरोदा में लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करना है जीरोदा. रिफ्रेश करने के बाद आपके एक्सटेंशंस में जाना है. एक्सटेंशन में आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा क्रोम के ऊपर, दैट इज एक्सपोर्ट दिस कुकी. तो ये आपने एड टू क्रोम कर लिया, फिर उसके बाद इसे आप यहाँ पे एक्सटेंशंस में देख पाओगे. इसके ऊपर क्लिक करके आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है. मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया और फिर ओके पे क्लिक करना है. सो ऐसे आपको आपका क्रोम लॉग इन करना है. अब हम लॉग इन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्टेटस बॉक्स में प्लीज वेट आ रहा है लॉग इन करने के बाद. ओके, हमने अभी लॉग इन कर लिया है. तो अभी हमने यहाँ पे लॉग इन कर लिया है. यहाँ पे आप देख सकते हो एनएफ आया है, अंडरलिंग आया है, अंडरलिंग में फ्यूचर है. जैसे हमने अभी लॉग इन करते वक्त सिलेक्ट किया था, फ्यूचर सिलेक्ट किया था, स्पॉट होता तो यहाँ पे स्पॉट आ जाता. एंड इन ब्रैकेट आपको इसकी एक्सपायरी दिख जाएगी. तो निफ्टी की फ्यूचर की एक्सपायरी जो अभी चल रही है, दैट इज ऑगस्ट. तो इसके अंदर एआरएम के अंदर फ्यूचर की जो आपकी करंट एक्सपायरी है, वही एक्सपायरी आप ले सकते हो. फ्यूचर की एक्सपायरी आप चेंज नहीं कर सकते. ठीक, तो बैंक निफ्टी लिया है तो बैंक. फिर से बताइएगा मैम, मैं ये जीरोधा वाला। ओके, मैं आपको बाद में हम पूरा एक बार देख लेंगे. ठीक है, पहले लेट मी कंटिन्यू दिस. रिकॉर्डिंग मिल जाए। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. ठीक है, सो अब यहाँ पे फ्यूचर में मैंने लॉग इन किया है. इस तरफ आते हैं बाय सीई साइड. सो यहाँ पे आपको आप जो बाय करेंगे कॉल उसकी इंफॉर्मेशन है. अभी बाय करते वक्त ये आस्क प्राइस दी गई है. ठीक है, ओके. बाय करते वक्त आपने आस्क प्राइस, यहाँ पे आपको आस्क प्राइस दिखेगी. स्ट्राइक है, यहाँ पे आपको स्ट्राइक्स दिखेंगी. तो आपको जो स्ट्राइक सिलेक्ट करनी है वो स्ट्राइक सिलेक्ट कर सकते हो. तीन ऑप्शंस दिए हैं, एटीएम है, आईटीएम है एंड ओटीएम है. फाइन, तो दीज आर बटन्स. आपको आपको अगर ट्रेड लेना है तो आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना है ट्रेड लेने के लिए. ठीक, पी साइड में सेम है. यहाँ पे आपको स्ट्राइक्स दी गई है. यहाँ पे आपको आस्क प्राइस दी गई है, कौन सी इस स्ट्राइक की आस्क प्राइस क्या है. सो दिस इज ऑल अबाउट बाय पीई साइड. तो यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हैं और बाय सीई साइड यहाँ से आप कॉल बाय कर सकते हैं. ठीक, अब ये बॉक्स की तरफ आते हैं. ये बॉक्स दिस इज स्टेटस बॉक्स. तो इसके अंदर आपको एआरएम का स्टेटस दिख जाएगा, इंटरनेट गया है या फिर कुछ भी है तो आपको इस बॉक्स के अंदर दिख जाएगा. उसके बाद हम इसके पास आते हैं. तो ये जो है दिस इज अंडरलिंग प्राइस. तो इसके अंदर आपने अगर फ्यूचर सिलेक्ट किया है तो फ्यूचर की प्राइस आ जाएगी, स्पॉट सिलेक्ट किया है तो स्पॉट की प्राइस आ जाएगी. तो अब ये क्या है वो एक बार देख लेते हैं, इसके अंदर प्राइजेस कैसी आती है. तो यहाँ पे हम गए. ठीक, ओके, यहाँ पे आ गए. तो अब आप कंडीशंस देख सकते हैं यहाँ पे क्या कंडीशंस है, और आपको कलर्स कलर्स का स्टेटस दिखेगा. तो अभी अगर फ्यूचर इज इक्वल टू स्पॉट है एंड सीएमपी, फ्यूचर की सीएमपी इज इक्वल टू फ्यूचर का ओपन है, तो आपको येलो कलर दिख रहा है. येलो कलर में बॉर्डर भी आएगी एंड येलो कलर इन बैकग्राउंड भी आएगा. अगर फ्यूचर इज ग्रेटर देन स्पॉट है
तो आपको बॉर्डर आपकी ग्रीन कलर की आएगी, एंड फ्यूचर इज लेस देन स्पॉट है तो बॉर्डर आपकी रेड कलर की आएगी। अब ये जो अंदर का जो कलर है, अंदर का बैकग्राउंड, दैट इज ऑल्सो सेम। अगर सी एम पी इज इक्वल टू ओपन देन येलो कलर, सी एम पी इज ग्रेटर देन ओपन देन ग्रीन कलर, एंड सी एम पी इज लेस देन ओपन देन रेड कलर। तो ये ऐसा आपको इंडिकेशन आएगा आपके ARM के अंदर। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट्स कुछ देख सकते हो। अगर फ्यूचर अभी यहाँ पे देखिए, बॉर्डर भी ग्रीन है और बैकग्राउंड भी ग्रीन है। यहाँ पे बॉर्डर भी रेड है एंड बैकग्राउंड भी रेड है। यहाँ पे अगर देखोगे तो बॉर्डर इज ग्रीन, बॉर्डर जो है हमारी ग्रीन में है, मतलब फ्यूचर इज ग्रेटर देन स्पॉट, एंड बैकग्राउंड जो है वो रेड में है। इसका मतलब अभी CMP जो है, CMP आज के ओपन से नीचे है, ठीक है? तो ऐसा उसका इंडिकेशन है बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर का। फाइन, तो ये हो गया इसके बारे में। देन वील कम टू दिस बटन। तो इसके अंदर आपको इमोशंस है। अगर आप ट्रेड लेते वक्त इसे सिलेक्ट करते हो तो फिर ये आपके ट्रेड लॉग में रिकॉर्ड हो जाएगा कि ट्रेड लेते वक्त आपका इमोशन क्या था। अब इससे एक्चुअली में आपके इसके ऊपर, आपके ट्रेड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, बट सिर्फ ये आपके आपके बेनिफिट के लिए है कि मेरा ट्रेड लेते वक्त उस वक्त इमोशन क्या था, वो रिकॉर्ड हो जाएगा, नथिंग एल्स। ठीक, तो ये वो बटन हो गया। उसके बाद हम आते हैं इस बटन के ऊपर। सो दिस इज टाइम फ्रेम बटन। अब टाइम फ्रेम के अंदर आपको 3 मिनट, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 75 मिनट्स, तो ये टाइम फ्रेम्स दिखेंगी। ये टाइम फ्रेम सिलेक्शन के ऊपर आपका बुल स्टॉप लॉस और ये कैंडल स्टिक पैटर्न, ये कैंडल स्टिक पैटर्न एंड बुल स्टॉप लॉस, बियर स्टॉप लॉस एंड कैंडल स्टिक पैटर्न, ये उसके ऊपर डिपेंड होती है। तो अगर मैंने 3 मिनट सिलेक्ट किया है तो माई बुल स्टॉप लॉस एंड बियर स्टॉप लॉस विल बी प्रीवियस कैंडल्स हाई एंड लो ऑफ 3 मिनट कैंडल, ठीक है? अगर 5 मिनट से सिलेक्ट किया है तो बुल स्टॉप लॉस बियर स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल हाई एंड लो ऑफ 5 मिनट कैंडल। तो जिस टाइम फ्रेम में है उस टाइम फ्रेम की प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो आपका बुल स्टॉप लॉस बियर स्टॉप लॉस आ जाएगा, ठीक? उसके बाद ये जो कैंडल स्टिक है, ये कैंडल स्टिक का भी सेम है, जो कुछ टाइम फ्रेम में जाएंगे उसका प्रीवियस कैंडल स्टिक पैटर्न जो होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है? अब और एक बात, अगर आपने कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर क्लिक किया तो इस कैंडल स्टिक पैटर्न का जो बुल एंड बियर स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस आपको आ जाएगा, ठीक है? तो डिफॉल्ट जो है वो आपका टाइम फ्रेम के ऊपर होगा, जो आपका प्रीवियस कैंडल का बुल स्टॉप लॉस बियर स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम। और अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न का ये चाहिए, स्टॉप लॉस चाहिए, तो कैंडल स्टिक पैटर्न पे क्लिक करके उसका हाई एंड लो जो होगा वो आपका बुल एंड बियर में आ जाएगा, ठीक? तो निफ्टी का निफ्टी के सामने है, बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी के सामने है, फिन निफ्टी के सामने है, ठीक है? सो दिस मच इज क्लियर। यस मैम, ओके, अब ये जो है दिस इज रिफ्रेश बटन, ठीक है? तो ट्रेड लेने के बाद आप जब एग्जिट करते हो, यहाँ पे आपको आपकी एंट्रीज दिखेंगी। इसको क्लियर करने के लिए ये रिफ्रेश बटन दिया गया है, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओके फाइन, ये पेपर ओनली दिख रहा है, ये हमने स्टार्टिंग में लॉगिन करते वक्त किया था, अब आप इसे एडिट नहीं कर सकते। ये जो है ये सिलेक्शन, दिस इज ओनली बिफोर लॉगिन, आफ्टर लॉगिन ये आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो बिफोर लॉगिन ही आपको ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद अभी निफ्टी ऑप्शन एक्सपायरी, अब यहाँ पे ऑप्शन एक्सपायरीज है, निफ्टी के ऑप्शन ऑप्शन एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की है, फिन निफ्टी की है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको निफ्टी की सारी यहाँ पे ऑप्शन एक्सपायरीज दिख जाएंगी, बैंक निफ्टी की ऑप्शन एक्सपायरी दिख जाएगी, फिन निफ्टी की ऑप्शन एक्सपायरी दिख जाएगी। अब ये क्यों दिया गया है? ऑन द एक्सपायरी डे, अगर एक्सपायरी डे है तो आपको अगर नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हो, ठीक है? सो इसके लिए ये ऑप्शन एक्सपायरी का सिलेक्शन दिया गया है। सो देन निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। उसके बाद हम आते हैं स्कैल्प नॉर्मल की तरफ। तो स्कैल्प नॉर्मल का जो यूज है वो आपके स्टॉप लॉस के ऊपर आता है। तो अभी नॉर्मल किया है, इसका मतलब बुल स्टॉप लॉस एंड बियर स्टॉप लॉस इज प्रीवियस कैंडल्स हाई एंड लो अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम। अगर मैंने स्कैल्प किया है, दैट इज स्कैल्प 5 किया, अब इसके अंदर आपको ऑप्शंस है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ठीक है? तो अब ये जो आगे के जो पॉइंट्स है, दैट इज वो पॉइंट्स आते हैं प्लस माइनस आपके अंडरलाइन के। तो अभी मैंने स्कैल्प 20 किया है, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ, अभी अंडरलिंग जो चल रहा है मेरा, दैट इज 24700, ठीक है? सो ओके, अंडरलिंग जो मेरा चल रहा है दैट इज 24700, इससे -20, ये 20 है इसलिए -20 विल बी योर बुल स्टॉप लॉस एंड +20 विल बी योर बियर स्टॉप लॉस। फाइन, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो
आपका जो अंडरलेइंग है उससे प्लस माइनस ये जो कुछ पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स आपके बुल स्टॉप लॉस एंड बियर स्टॉप लॉस में आ जाएंगे। 5 किया है तो +5 -5, 10 किया है तो +50 +10 -10। और अगर हमने दूसरा जिले किया, अभी निफ्टी में जो था वो 5, 10, 15, 20 था, बैंक निफ्टी के अंदर आपको दूसरे स्कैल्प आएंगे 10, 20, 30 एंड 40 आएगा, ठीक है, एंड फिन निफ्टी में भी 5, 10, 15, 20 आएगा। तो निफ्टी एंड फिन निफ्टी 5, 10, 15, 20, बैंक निफ्टी में 10, 20, 30, 40। तो ये हो गया स्कैल्प एंड नॉर्मल। तो बेसिकली ये इसके लिए कि आपको इमीडिएटली अगर ट्रेड लेना है तो उस वक्त आप यूज कर सकते हैं, मतलब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस इमीडिएट चाहिए और ट्रेड ले लिया तो ऐसा आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं ओपनिंग बैलेंस की तरफ। अभी ओपनिंग बैलेंस में आप देख सकते हो दिस इज ब्लू इन कलर। मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि ब्लू कलर में पूरे सॉफ्टवेयर में जो कुछ ब्लू कलर में वो एक तो आप एडिट कर सकते हो या तो क्लिक कर सकते हो, ठीक। तो अभी मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो है ये मुझे एडिट करना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे 1 लाख चाहिए, फाइन। और अब बैलेंस डालने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद आपको एक ऐसी पॉपअप विंडो आती है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ओपनिंग बैलेंस मैंने 1 लाख डाला, लाइव बैलेंस जो है वो मेरा 5579 है, 9.9। तो अब जब मैं इसे यस करूंगी तो मेरा ओपनिंग बैलेंस एंड लाइव बैलेंस दोनों सेम आ जाएगा, ठीक है। अब मेन बात ये है कि मैंने इसको एक बार अगर कंफर्म कर दिया तो इसके बाद आप फिर से इसे एडिट नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल आपको फिर से लॉग आउट करना पड़ेगा, फिर से लॉग इन करना पड़ेगा और फिर आप इसका बैलेंस चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार अगर मैंने बैलेंस डाल लिया सो इट इज कंफर्म। तो यहाँ पे मैंने यस कर दिया। अब यस करने के बाद आप मेन देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लू कलर चला गया है, इसे मैं एडिट नहीं कर सकती एंड मेरा लाइव बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस आर इक्वल। तो दिस इज 1 लाख एंड दिस इज 1 लाख। सो ऐसा आपको आपका बैलेंस ऐड करना है पेपर ओनली मोड में। पेपर रियल मोड में आप बैलेंस ऐड नहीं कर सकते, जीरोदा का जो बैलेंस आएगा वही आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक। सो दिस इज अबाउट ओपनिंग बैलेंस एंड लाइव बैलेंस। उसके बाद आता है टोटल रिस्क परसेंटेज। तो ये जो रिस्क परसेंटेज है इसका मतलब ये होता है कि कितने परसेंट की रिस्क आपको आपके लाइव बैलेंस में लेनी है इन द नेक्स्ट ट्रेड। तो अभी अगर मुझे कोई ट्रेड लेना है, अभी मान लीजिए मुझे निफ्टी का ये ट्रेड लेना है तो निफ्टी का मुझे 24650 का कॉल बाय करना है, ठीक। तो इस ट्रेड में मुझे रिस्क कितने की एक्सेप्टेबल है, दैट इज 2% ऑफ माई लाइव बैलेंस। तो 1 लाख का 2% इज 2000। तो अगर 2000 तक मेरी 2000 तक मुझे मेरा रिस्क इज आई एम ओके विद 2000 रिस्क, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये मैंने ट्रेड लिया, ठीक। मैंने मेरा स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का किया और ये ट्रेड लिया, फाइन। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिस्क कितना था मेरा, 2% था। 2% मतलब 2000 था। यहाँ पे आप रिस्क देख सकते हो 2000 से कम है। सो आई एम ओके विथ 2000 रिस्क और लेस देन 2000 रिस्क इज गुड फॉर मी, राइट। सो ये होता है टोटल रिस्क का, टोटल रिस्क आप कैसे यूज कर सकते हो। सो दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। तो लेट मी जस्ट एग्जिट दिस। तो ये था टोटल रिस्क। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ये पेपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप मोड चेंज कर सकते हो। अभी मैं जो लॉग इन किया है वो पेपर ओनली में लॉग इन किया है, दिस इज नॉट पेपर रियल बोथ, तो इसलिए आई कांट चेंज टू रियल मोड हियर। अगर मैंने पेपर रियल बोथ में लॉग इन किया होता तो यहाँ पे क्लिक करके आई कैन चेंज टू रियल मोड। अगर रियल में हूँ तो फिर से यहाँ पे क्लिक करके आई कैन चेंज टू पेपर मोड, ठीक है। तो ये हो गया ये बटन का। उसके बाद ये ऑडियो ऑन ऑफ है, ठीक है। तो ये मैंने ऑडियो जो अभी है वो ऑफ करके रखा है। अगर मैंने ऑन किया और ये मैंने मान लीजिए रिफ्रेश किया, ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि आपने रीसेट किया है। तो दीज आर सम ऑडियो मैसेजेस, ये ऑडियो मैसेज आपको आएंगे, ठीक है। तो अब दो कंसेप्ट है, ये दो कंसेप्ट समझ लेते हैं, ये मैंने इसे ऑफ कर दिया, फाइन। दो कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट समझ लेते हैं। फर्स्ट इज दिस चार्ट, ओके। सो अभी चैट आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा। सो बेसिकली दिस इज अ बटन। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अभी आप देख सकते हो दिस इज बीओ मतलब ब्रेकआउट है। यहाँ पे क्लिक किया मतलब दिस इज पीबी मतलब पुल बैक है। फिर से मैंने क्लिक किया सो दिस इज चैट। अब चैट किया है तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि मेरा जो चार्ट के नीचे की जो वैल्यू है, अभी मैंने निफ्टी सिलेक्ट किया तो निफ्टी की जो वैल्यू है दिस इज इन ब्लैक इन कलर। क्लिक किया ब्रेकआउट है तो दिस इज इन ब्लू इन कलर, ठीक है। तो अभी मैं इसे चेंज कर सकती हूँ। पुल बैक किया तो दिस इज ब्लू इन कलर, इसका मतलब मैं चेंज कर सकती हूँ। इसका मतलब आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू डालनी है। अब वो कौन सी वैल्यू है ये चार्ट का कंसेप्ट पूरा समझ लेते हैं कि क्या है कैसा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे कौन
कॉल साइड देख लेंगे, कॉल साइड अगर आपको समझ गई तो पुट भी, पुट उसका ही सेम है बस उल्टा है, ठीक है। तो सीई पुल बैक देखते हैं पहले, मतलब पुल बैक में मतलब पीबी में देखते हैं। करंट प्राइस आपकी चल रही है 18,350, ठीक। करंट प्राइस जो है वो आपकी चल रही है 18,350, तो आप अभी यहाँ पे हो। अगर यहाँ से नीचे प्राइस आई तो मुझे 18,335 पे बाय करना है, तो दैट इज योर पुल बैक प्राइस, एंड योर स्टॉप लॉस विल बी बिलो दिस बाय। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस आ गया विच इज 18,320, ठीक। सो ये हो गया आपका पुल बैक। पुल बैक का मतलब करंट प्राइस ऊपर चल रही है, नीचे आएगा तो बाय करना है, और मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो मेरे बाय के नीचे होगा, फाइन। सो ये हो गया पुल बैक का। ब्रेकआउट में क्या है, करंट प्राइस मेरी नीचे चल रही है, नीचे मतलब करंट प्राइस मेरी यहाँ पे चल रही है। अगर उसने इस लेवल को ब्रेक किया, मतलब अगर उसने इस प्राइस को ब्रेक किया तो मुझे ट्रेड लेना है, ठीक। और यार आपका आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपके ब्रेकआउट प्राइस के नीचे होगा, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये 8,35 पे भी हो सकता है, 8,320 पे भी हो सकता है, 18,320 पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे रख सकते हो, बस आपके ब्रेकआउट प्राइस के नीचे आएगा। सेम यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस कहीं पे भी रख सकते हो, बस आपके पुल बैक प्राइस के नीचे आएगा, ठीक। तो ये था ब्रेकआउट एंड पुल बैक। और पुट साइड में भी वही है, बस नीचे की तरफ है। कॉल आप बाय करते हो तो ऊपर की तरफ का आपका व्यू रहता है, पुट में जो है वो नीचे की तरफ है तो नीचे जाएगा। सेम है, एग्जैक्टली अपोजिट है पुल बैक में भी एंड ब्रेकआउट में भी, फाइन। सो दिस इज बेसिकली अ वाटर इमेज एंड मिरर इमेज ऑफ ब्रेकआउट एंड पुल बैक, मतलब एग्जैक्टली उल्टा है, ठीक। तो अभी नीचे यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, ये देख लेते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे सो दिस इज अ पुल बैक, ये जो स्क्रीनशॉट है ये पुल बैक का स्क्रीनशॉट है, एंड दिस इज ब्रेकआउट स्क्रीनशॉट। तो करंट प्राइस मेरी चल रही है यहाँ पे, मैं अभी यहाँ पे हूँ, दैट इज 19,719। अगर यहाँ से प्राइस मेरी नीचे आती है, दैट इज 19,703, तो यहाँ पे मुझे बाय करना है। तो ये आ गई मेरी ये आ गई मेरी पुल बैक की प्राइस, एंड मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके नीचे होगा। नीचे होगा तो मैंने मान लिया इसे मेरा स्टॉप लॉस ले लिया, विच इज 19,698। तो ये है पुल बैक का। ब्रेकआउट में क्या है, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। अगर उसने इस लेवल को ब्रेक किया तो दिस लेवल इज, दिस ब्रेकआउट प्राइस इज 19,670, इसे ब्रेक किया तो मुझे ट्रेड लेना है, ठीक है। तो मेरा मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे, मेरा स्टॉप लॉस मैंने 647 का रखा है, आप 660 का भी रख सकते हो, 650 का भी रख सकते हो, 665 का भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, बस इस प्राइस के नीचे रखना, ठीक। तो ये था ब्रेकआउट एंड पुल बैक, ओके। आई होप दिस इज क्लियर, ये समझा? चिन्मय मेरी आवाज आ रही है? यस 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 मैम, आ रही आ रही है मैम। तो एक चीज पूछना अब था। जो मैंने आपको ब्रेकआउट और पुल बैक प्राइस का जो बताया, तो वो प्राइस आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो ब्रेकआउट की प्राइस आप यहाँ पे डालेंगे, पुल बैक की प्राइस आप यहाँ पे डालेंगे। अब मैंने अगर आपको दिखाया तो मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है पुल बैक, तो 19,703 यहाँ पे आपकी प्राइस आएगी, 19,703। आपके हिसाब से आपको जो पुल बैक की प्राइस रखनी है वो आप रख सकते हो, ठीक। और अभी मुझे यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस जो है वो स्कैल्पिंग में चाहिए, मान लीजिए मुझे यहाँ से +10 या फिर -10 का स्टॉप लॉस चाहिए, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो अभी ये जो मेरा स्टॉप लॉस आएगा ये ब्रेकआउट या फिर पुल बैक प्राइस से +10 -10 आएगा, क्योंकि मैंने स्कैल्पिंग 10 सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आप स्कैल्पिंग का इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हो, मेरे जो कुछ ब्रेकआउट या फिर पुल बैक प्राइस होगी उससे प्लस माइनस ये आपकी स्कैल्पिंग की पॉइंट्स जो है वो आ जाएंगे, ठीक। सो ये था चार्ट का, चार्ट ब्रेकआउट पुल बैक। उसके बाद आते हैं FPNL पे। सो व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली स्ट्रैटेजी, आपको किस स्ट्रैटेजी में एंटर करना है, ट्रेड लेते वक्त कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो आपको दिखेंगे, फर्स्ट इज यहाँ पे TPNL है एंड FPNL है, ठीक है। तो TPNL आपको एडिट, TPNL में कुछ नहीं है, TPNL मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका रनिंग जो चल रहा है वो दिखेगा, FPNL में जो बुक किया हुआ है वो दिखेगा, दैट इज रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया तो आपको ऑप्शन दिखेंगे, फर्स्ट जो था दैट वॉज FPNL, देन वी हैव FPNL 20%, 33%, 50%, 100%, ठीक है, एंड वी कम बैक टू FPNL, ठीक है। तो ऐसा ही एक राउंड रॉबिंग फैशन में है। अब इसके अंदर क्या है वो देख लेते हैं, ठीक। तो ये आ गए हम यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ केस है,
केसेस है, सो टोटल आपको जो ऑप्शंस दिखे वो 5 थे, बट एक्चुअली में केसेस जो है वो 6 केसेस है, ठीक है। तो FPNL में दिस इज विच इज द डिफॉल्ट वन, इसके अंदर आपको दो आएंगे। फर्स्ट इज मिनिमम क्वांटिटी, अगर आपकी मिनिमम क्वांटिटी है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, तो ये जो बॉक्स है दिस इज ऑल योर क्वांटिटी, ठीक है। इतनी क्वांटिटी मिली तो कितनी है, तो वो इस रेंज में अगर आ रही है तो क्या एप्लीकेबल होगा। अब निफ्टी में अगर आपको 1 to 2 आ रही है, बैंक निफ्टी में 1 to 3 आ रही है, फिन निफ्टी में 1 to 2 आ रही है, और आप FPNL में हो, तो वो सिर्फ ट्रेल करेगा और बुक तब करेगा जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा 100%, ठीक है। मतलब दो क्वांटिटी है तो दोनों के दोनों क्वांटिटी आपका स्टॉप लॉस हिट होने पर, आपको बुक करके देगा, ठीक। अब केस टू में आते हैं, डिफॉल्ट में आपकी अगर क्वांटिटी 3 to 72, 4 to 60 एंड अगेन 3 to 72 अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में है, तो यहाँ पे आपकी जो कुछ बैलेंस क्वांटिटी होगी उसका 50% नेक्स्ट टारगेट पे बुक होगा, फिर नेक्स्ट ट्रेल पे फिर से 50% जो बचा होगा उसका बुक होगा, नेक्स्ट ट्रेल में फिर से 50% जिसका बचा होगा वो ट्रेल हो, वो बुक होगा, और जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो 100% आपका बुक होगा। 20% में क्या है, इनिशियल क्वांटिटी जो कुछ भी होगी उसका 20% 20% 20% 20% 4 बार बुक करेगा, एंड लास्ट वाला जो 20% होगा उसे ट्रेल करेगा, ठीक है। जो लास्ट जो मेरी बची हुई होगी वो ट्रेल करेगा, और अगर स्टॉप लॉस को हिट कर गया तो बुक कर देगा। 33 में 33 33 2 बार बुक करेगा, और लास्ट का जो 33 होगा वो ट्रेलिंग के लिए जाएगा। 50 में 50 एंड 30, ये दो है, 50 30 20, तो 50 एंड 30 ये दोनों को वो बुक करेगा, एंड 20 को जो है वो ट्रेलिंग के लिए जाएगा। एंड व्हाट इज 100, 100 का मतलब ये होता है कि मुझे ट्रेलिंग नहीं चाहिए, वो टारगेट पे गया तो मुझे बुक करके दे सारी की सारी क्वांटिटी, 100% क्वांटिटी बुक करनी है मुझे, ठीक है। सो ये हो गया FPNL 100%। तो यहाँ पे नीचे जाते हैं, ये आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा, लेट मी जस्ट क्लियर दिस ड्रॉइंग्स, ठीक है। ये क्लियर कर दिया मैंने, ओके। तो अभी अज्यूम करते हैं हमारी इनिशियल बॉट क्वांटिटी इज 100, ठीक है, 100 क्वांटिटी मुझे मिल गई। अब अगर मैं केस टू में हूँ, दैट इज FPNL, तो T1 मतलब टारगेट वन, टारगेट वन पे क्या होगा, बुक होगा 50, ट्रेल होगा 50, ठीक है। 50% ऑफ बैलेंस क्वांटिटी, अभी मेरी बची कितनी, 50 बच गई, नेक्स्ट ट्रेल में जो बची है उसका 50% बुक होगा, तो 50 बुक हुआ, 50 ट्रेल हुआ, जो बची है उसका 50% बुक हुआ, 50 बुक हुआ, 50 ट्रेल हुआ, एंड ऐसे करते 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 आपकी जो लास्ट क्वांटिटी जो बच जाएगी वो ट्रेलिंग के लिए जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ FPNL इज, हाउ FPNL वर्क्स। उसके बाद आता है 20% में, 20% में क्या है, फर्स्ट टारगेट पे जाने के बाद 20% बुक कर लिया, सेकंड पे जाने के बाद 20% बुक कर लिया, थर्ड पे जाने के बाद 20% बुक कर लिया। अब ये 20% बची हुई क्वांटिटी का नहीं है, दिस इज ऑफ योर इनिशियल क्वांटिटी, जो इनिशियल क्वांटिटी विच इज 100, 100 का 20 20 20 20 20 बुक किया, बची हुई 20 जो होगी वो ट्रेलिंग के लिए जाएगी, ठीक। अब 33 में आ गए, तो 33 33 ये बुक किया उसने, एंड लास्ट जो बची हुई, लास्ट जो 33% क्वांटिटी जाएगी वो इसके अंदर जाएगी, विच इज ट्रेलिंग के अंदर जाएगी। अगर 50 है तो फर्स्ट टारगेट पे 50 बुक किया, सेकेंड टारगेट पे 30 बुक किया, एंड लास्ट जो 20% जो बची हुई होगी वो ट्रेलिंग के लिए जाएगी, एंड यहाँ पे 100% में फर्स्ट टारगेट पे 100% बुक हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ आपकी जो सारी क्वांटिटीज है, आपकी जो सारी क्वांटिटीज है उसका बुकिंग स्ट्रेटेजी आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो वहां से, ठीक। तो ये भी क्लियर कर दिया, लेट मी जस्ट मिनिमाइज दिस, ठीक है। तो आपको जो सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मेन बात ये जो है, ये आप ट्रेड लेने से पहले सिलेक्ट करना है, ट्रेड लेने के बाद इसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ट्रेड लेने से पहले मुझे मेरा बोल स्टॉप लॉस सेट करना है, ट्रेड लेने से पहले मुझे मेरे प्रॉफिट पॉइंट सेट करने हैं, ट्रेड लेने से पहले बियर स्टॉप लॉस, बोल स्टॉप लॉस, बियर स्टॉप लॉस जो होगा वो, ट्रेड लेने से पहले मुझे मेरी रिस्क डिफाइन करनी है, ट्रेड लेने से पहले मुझे मेरा FPNL डिसाइड करना है, ट्रेड लेने के बाद आप इसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इतना हो गया, इज दिस क्लियर, मेरी आवाज आ रही है। यस मैम, यस क्लियर। तो ये सब था, आपको ये मैंने स्ट्रैटेजी बता दिया, फिर उसके बाद चार्ट का ये बता दिया, चार्ट ब्रेकआउट पुल बैक क्या रहता है वो बता दिया, ठीक है। तो अब समझते हैं कि बेस ट्रेड कैसे लेते हैं, और ट्रेड लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या क्या दिखता है, ठीक है। तो अब मैंने इसे स्काल्प जो है इसे 20 कर दिया, तो मुझे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस चाहिए,
अब मुझे बाय करना है, कॉल बाय करना है, तो मुझे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, दिस स्ट्राइक आईटीएन स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लिया, विच इज 24650। यहाँ पे क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इंडेक्स दिख रहा होगा, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिर निफ्टी, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी लाइन जो है ये निफ्टी की है, ये जो नीचे नीचे भी ये जो पूरी लाइन है ये निफ्टी की है, सेकेंड लाइन इज फॉर बैंक निफ्टी एंड थर्ड लाइन इज फॉर फिन निफ्टी। ठीक है, सो दिस इज हाउ अलोकेशन इज, फर्स्ट लाइन इज निफ्टी, सेकेंड इज बैंक निफ्टी, थर्ड इज फिन निफ्टी। अलग यहाँ पे भी आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के हिसाब से आएगा। अब प्रॉफिट पॉइंट जो है ये आप ये देख सकते हो ब्लिंक हो रहे हैं, राइट? सो ब्लू एंड व्हाइट, ब्लू एंड व्हाइट में ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब आप अभी ट्रेड के अंदर हो। ठीक है, आपका ट्रेड अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी ट्रेड के अंदर हो, ट्रेड इज रनिंग, इसका मतलब ये हुआ। एंड दिस इज इन ब्लैक इन कलर, तो इसका मतलब आप अभी इसे एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, यू कांट एडिट इट, फाइन। तो ये हो गया प्रॉफिट पॉइंट्स के बारे में। अब यहाँ पे आते हैं, पहले स्टार्टिंग से जाते हैं क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी 7 आई है, तो क्वांटिटी 7 क्यों आई है? आपके रिस्क और आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एंड स्टॉप लॉस, आपकी क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट करके देता है एआरएम। आप खुद से क्वांटिटी नहीं डाल सकते एआरएम के अंदर, आपकी जो क्वांटिटी होगी वो आपके रिस्क और आपके स्टॉप लॉस के ऊपर आ जाएगी। आपको जो क्वांटिटी मिलेगी उस क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है, फाइन। सो दिस इज हाउ क्वांटिटी इज। उसके बाद सिंबल में आता है, सिंबल में आपको ये जो है ये आपको एक्सपायरी दिख रही होगी, जिस अभी मैंने जिसमें ट्रेड लिया है, तो दिस इज 2024 August 8, तो ये वो उसकी एक्सपायरी है। कौन सा लिया है? सो 24650 का कॉल लिया है, और यहाँ पे आपको सीई दिख रहा है, राइट? सो ये सिंबल में आ गया। अब बाय के अंदर अगर आएंगे, सो दिस इज 166, इसका मतलब क्या हुआ? ये बाय आपका प्रीमियम के अंदर है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा आस्क क्या था, 166 का था। यहाँ पे भी मुझे, यहाँ पे भी मैंने बाय कितने पे किया है? 166 पे किया है। ठीक है, तो 166 इज बाय इन योर प्रीमियम। चार्ट में अगर देखोगे तो 24700, तो 24700 का मतलब ये है जब आपने प्रीमियम में बाय किया तब मेरी चार्ट प्राइस क्या थी। ठीक है, सो दिस इज बाय इन चार्ट, बाय इन अंडरलिंग, तो अंडरलिंग मतलब मैंने फ्यूचर सेलेक्ट किया, तो फ्यूचर में मैंने 24700 पे लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है विच इज चार्ट सीएमपी, तो अभी जो प्राइस चल रही है अभी अंडरलिंग में जो प्राइस चल रही है वो आपको दिखेगी। ठीक है, तो मैंने अगर इसे थोड़ा सा चेंज किया, ठीक, तो आप देख सकते हो ये चेंज होती है, फाइन। तो अभी लाइव मार्केट नहीं है, राइट? तो इसलिए आपको इतनी चेंज होती हुई नहीं दिखेगी। अब ये डेमो का है इसलिए आई कैन चेंज दिस, तो यहाँ पे आपको चेंज होते हुए प्राइस दिख जाएगी आपके अंडरलिंग की, फ्यूचर सेलेक्ट किया हो या फिर स्पॉट सेलेक्ट किया हो। उसके बाद ये मैंने स्टॉप लॉस आपको बता दिया, प्रॉफिट पॉइंट्स भी बता दिया। प्रॉफिट पॉइंट जो है, दीज आर प्रॉफिट पॉइंट फॉर अंडरलिंग, मतलब अंडरलिंग में मुझे कितने से प्रॉफिट मेरा बुक करना है। सो दिस इज टारगेट, मतलब 24700 पे मैंने बाई किया है इन अंडरलिंग, प्लस 12 अगर किया, मतलब प्लस 12 का मतलब कितने पे मुझे बुक करना है, कितने पॉइंट्स पे मुझे बुक करना है, विच इज माई टारगेट इन पॉइंट्स, तो ये 12 आ गया। तो नेक्स्ट ट्रेल में अगर आप देखोगे तो 24712 आ गया है, राइट? सो इसका मतलब क्या है, 24712 पे आपका टारगेट बुक होगा। ठीक, अब इसका जो कलर है दिस इज ब्लैक इन कलर, राइट? तो फाइन, तो ये जो है दिस इज नेक्स्ट ट्रेल, ये जो है ये आपका प्रॉफिट पॉइंट्स ऐड होके कितने पे आपको बुक करेगा वो आएगा। और यहाँ पे अंडरलिंग का है, दिस इज इन प्रीमियम, प्रीमियम में कितने पे आएगा, दिस इज इन अंडरलिंग, अंडरलिंग पे आपका नेक्स्ट टारगेट कितने पे है। अब ये टारगेट जो ये ट्रेल होते रहता है जैसे जैसे आप आगे जाते हो। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आपको प्रॉफिट पॉइंट्स बता दिया। देन वील कम टूवर्ड्स ट्रेड टाइम, यहाँ पे आपको ट्रेड का टाइम दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेड लिए हुए मुझे कितना टाइम हुआ है। तो अभी आप देख सकते हो 3 मिनट हो चुके हैं, 3 मिनट्स 53 सेकेंड्स 54 सेकेंड्स, तो इतना टाइम मुझे हो चुका है ट्रेड लेने के बाद। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के पास आते हैं, तो इन्वेस्टमेंट जो है इसका मतलब ये है कि इस ट्रेड को लेने के लिए मुझे कितना पैसा लगा, राइट? तो ये आ गया मेरे इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद हम आएंगे रिस्क की तरफ, तो रिस्क का मतलब ये है कि कितने कितने की रिस्क मैंने इस ट्रेड में ली है। तो ये जो रिस्क थी आपके टोटल रिस्क के ऊपर डिपेंड रहती है, बराबर? तो रिस्क आपने जितना रखा था उससे कम की आपकी यहाँ पे रिस्क इन रुपीज आएगा। सो दिस इज इन रुपीज, ये पॉइंट्स मतलब ये जो है दिस इज 1925 रुपीज। अगर इस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको 1925 का अप्रोक्सीमेट लॉस आ सकता है। ठीक है, तो दिस इज योर रिस्क। उसके बाद सेल प्राइस पे आते हैं, तो ये जो सेल प्राइस है इसका मतलब ये है कि आप अभी इस प्राइस पे सेल कर सकते हो।
ठीक है, तो ये भी जो है ये भी चेंज होती रहेगी। अब अगर आप देखोगे तो बाय प्राइस और सेल प्राइस, इसके अंदर का जो कुछ डिफरेंस है, अभी ये माइनस में है, राइट, माइनस में आ रहा है, तो मेरा टीपीएनएल जो है दिस आल्सो इन माइनस। ठीक है, तो अभी ये टीपीएनएल जो है ये यहाँ पे दिस इज इन रुपीज, और ये जो है दिस इज इन परसेंटेज। अब ये परसेंटेज ऑफ व्हाट, ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि अभी एट प्रेजेंट मेरा जो लॉस है दैट इज -0.06% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट, विच इज 29,050। फाइन, तो ये जो परसेंटेज है दिस इज ऑन योर इन्वेस्टमेंट, मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे इतने परसेंट का लॉस चल रहा है, या फिर मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे इतने परसेंट का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अगर प्रॉफिट में होगा तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो लेट मी इसको थोड़ा सा, ठीक, तो अभी ये प्रॉफिट में आ गई, प्रॉफिट में मैंने इसको ये किया है। अब बैकग्राउंड कलर जो है वो आपका ग्रीन हो चुका है, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस में आ रहा है, प्लस में मतलब 17.50 आ रहा है, और आपका जो परसेंटेज है वो भी आपका आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्लस में आ रहा है। ठीक है, अभी ये मैंने बुक नहीं किया है, सो दिस इज अनरियलाइज्ड, इसलिए टीपीएनएल में दिख रहा है, एफपीएनएल में जीरो आएगा क्योंकि अब तक इट इज नॉट बुक्ड, राइट। उसके बाद करंट स्टॉप लॉस में आते हैं। अब करंट स्टॉप लॉस जो है वो आपका ये करंट स्टॉप लॉस, ये करंट स्टॉप लॉस आ गया। अभी मैंने अभी ट्रेल नहीं किया है, इसलिए आपका जो बुल स्टॉप लॉस है दैट इज इक्वल टू करंट स्टॉप लॉस। ठीक है, एंड दिस इज स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है इन अंडरलाइन। ठीक, तो अभी यहाँ पे जो है ये आपको माइनस दिख रहा है, मतलब नीचे की तरफ, मतलब अभी 700 पे मैंने बाय किया है, मेरा स्टॉप लॉस है 680, तो -20 का मेरा स्टॉप लॉस आ गया, स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स आ गया। ठीक, अब और एक इस बटन का जो काम है दैट इज टू एग्जिट योर ट्रेड, तो SPNL स्लैश एग्जिट दिख रहा होगा, तो एग्जिट का मतलब ये है कि मैंने अगर यहाँ पे क्लिक किया तो मैं एग्जिट कर दूंगी। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे एग्जिटेड आ गया, तो आपको ट्रेड ARM से ऐसे एग्जिट करना है। ठीक है, अब एग्जिट करने के बाद दिस इज मैनुअली एग्जिट, ठीक, तो दिस इज मैनुअली एग्जिट, आपको अगर मैनुअली एग्जिट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब एग्जिट करने के बाद आपको क्या अलग दिख रहा होगा, क्वांटिटी जीरो आ चुकी है, क्वांटिटी इज जीरो, ये मेरा ट्रेड टाइम स्टॉप हो चुका है, इन्वेस्टमेंट जीरो हो चुकी है, रिस्क जीरो हो चुकी है। फिर उसके बाद टीपीएनएल में जो था वो एफपीएनएल में आ चुका है, राइट, यहाँ पे देख सकते हो, और ये जो प्रॉफिट पॉइंट्स थे जो ब्लिंक हो रहे थे अब ब्लिंक नहीं हो रहे, बराबर। और अभी मैंने एग्जिट जो किया है वो मैंने एग्जिट ग्रीन में किया है, मतलब एग्जिट मैंने प्रॉफिट में किया है इसलिए ग्रीन आ रहा है, लॉस में किया होता तो रेड आ जाता। फाइन, सो ऐसे आपको यहाँ से एग्जिट कर सकते हो, एंड दिस इज हाउ ट्रेड इज टेकन। ओके, इज दिस ओके, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। तो अब ARM के कुछ पॉपअप विंडोज की तरफ आते हैं। ठीक है, तो अब ये जो पॉपअप विंडो है, इस पॉपअप विंडो में क्या है, प्लीज चेक द फॉलोइंग, बुल स्टॉप लॉस चेक करना है, लाइव बैलेंस चेक करना है, ITM प्राइस चेक करनी है, ब्रेकआउट या फिर पुल बैक की वैल्यू चेक करनी है, या फिर यू आर ऑलरेडी इन ट्रेड। अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने क्लिक किया, ओके, माय स्टॉप लॉस इज करेक्ट आई गेस, जस्ट अ सेकेंड। अब मान लीजिए मैंने मेरा स्टॉप लॉस जो है वो गलत किया, मतलब मैंने मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 10 का रखा, ठीक है, सो 710 रखा। अब आप देख सकते हो मेरी प्राइस चल रही है 24705, स्टॉप लॉस है मेरा 24710। अब ये गलत स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, मैंने इसे क्लिक किया, ये पॉपअप विंडो आ गई। ठीक, अब इस पॉपअप विंडो में वो क्या बोल रहा है, स्टॉप लॉस चेक कीजिए, सबसे पहले चेक योर स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस बराबर है क्या मेरा, नहीं है, इसलिए ये पॉपअप विंडो आ गई। ठीक है, उसके बाद आपको और क्या है, बैलेंस एक बार चेक करना है। कई बार ऐसे होता है कि आप यहाँ पे बैलेंस डालते हो, मतलब ओपनिंग बैलेंस में बैलेंस डालते हो पर एंटर नहीं करते, और वो बैलेंस आपके लाइव बैलेंस में नहीं आता और बैलेंस में आपका जीरो रहता है, तो आप ट्रेड नहीं ले सकते। ट्रेड लेने के लिए आपको लाइव बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, नॉट ओपनिंग बैलेंस। फाइन, तो आपको बैलेंस चेक करना है, उसके बाद आस्क प्राइस चेक करनी है। यहाँ पे आस्क प्राइस जो है, अभी ये यहाँ पे आस्क प्राइस है बिकॉज आई एम इन माई डेमो, और अगर अगर आप अभी आपके ARM में जाके लॉग इन करोगे तो आपको यहाँ पे 0-0 दिखेगा, क्यों, क्योंकि आज छुट्टी है, राइट, आज यहाँ पे आपको आस्क प्राइस नहीं दिखेंगी। फाइन, तो इसका मतलब ये हुआ आस्क प्राइस चेक करनी है, उसके बाद चार्ट ब्रेकआउट और पुल बैक वैल्यू। अब क्या है, मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, ब्रेकआउट सिलेक्ट किया, और मैं भूल गई यहाँ पे प्राइस डालना, मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, नहीं लेगा वो ट्रेड। आपको ब्रेकआउट करना है, आपको आपकी वैल्यू डालनी है,
राइट आपको अगर आप ब्रेकआउट में ये कर रहे हो, ब्रेकआउट का ट्रेड ले रहे हो, तो आपको आपकी वैल्यू यहाँ पे डालनी है। पुल बैक का ट्रेड ले रहे हो तो आपको आपकी वैल्यू यहाँ पे डालनी है। अगर नहीं डाले और क्लिक कर रहे हो ट्रेड लेने के लिए, तो आपको ये पॉपअप विंडो आ जाएगी। या फिर ठीक है, अब ये हो गया, और क्या हो सकता है, ये मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, ट्रेड लेने के बाद अब मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया हुआ है, मैंने फिर से ट्रेड लिया, मैं नहीं ले सकती। आई कैन ओनली टेक वन ट्रेड इन वन इंडेक्स एट अ टाइम। ठीक है, निफ्टी में हूं तो मैं अभी एक ही इंडेक्स ले सकती हूँ जब मेरा ट्रेड चल रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हो, यू आर ऑलरेडी इन ट्रेड, राइट। बैंक निफ्टी में भी मैं एक ही ट्रेड ले सकती हूँ, फिर निफ्टी में मैं एक ही ट्रेड ले सकती हूँ, तो मैं दो दो ट्रेड निफ्टी में एट अ टाइम नहीं ले सकती, तब ये आपको पॉपअप विंडो आ सकती है। फाइन, तो ये हो गई हमारी ये पहली पॉपअप विंडो। ओके, तो यहाँ पे वही ये दिखाया है कौन से है क्या है। ओके, उसके बाद इस पॉपअप विंडो पे आते हैं, विच इज ट्रेड कैंसल्ड। तो अब क्या होता है, स्टॉप लॉस जो है वो आपका रिस्क से अगर ज्यादा हो गया, मतलब स्पॉट लॉस जो है वो आपका रिस्क से अगर ज्यादा हो गया, तो आप ट्रेड नहीं ले सकते। नाउ व्हाट इज स्पॉट लॉस, आपने बाय करते ही आपको कितने का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नीचे एक ये किया है। अब आप देख सकते हो मेरी बाय प्राइजेस 116.25, एंड मेरी सेल प्राइस जो है बाय करते ही चल रही है 80 की। ठीक है, दिस इज अ स्प्रेड। तो ये जो स्प्रेड है ये बहुत बड़ा स्प्रेड है। इसके अंदर आपको क्या हो रहा है, अभी अगर मैंने 3 क्वांटिटी इसके ऊपर बाय किया, तो मेरा जो लॉस है दैट इज 2,718.75, इतने का मेरा लॉस आ रहा है अगर मैंने इसको बाय किया तो। और मुझे लॉस कितने का और मेरी रिस्क कितने की एक्सेप्टेबल है, दैट इज 870 रुपीज। तो 870 की मुझे रिस्क लेनी है, और बाय करते ही अगर मुझे 2,000 का लॉस हो रहा है, तो आई शुडंट टेक दैट ट्रेड, राइट। तो यार हम आपको वो ट्रेड कैंसिल करके दे देता है, और यही बोलता है कि स्पॉट लॉस इज ग्रेटर देन रिस्क इन ट्रेड। आपकी रिस्क जो है उससे ज्यादा आपका स्पॉट लॉस है, सो आई एम नॉट टेकिंग द ट्रेड, योर ट्रेड इज कैंसल्ड। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज क्लिक ऑन ओके, रिफ्रेश इट वंस एंड टेक द ट्रेड अगेन। ठीक है, आप ये कर सकते हो। तो उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं, टारगेट नॉट बुक। ओके, सो अब ये क्या है, ये एक बार पढ़ लेते हैं कि इस पॉपअप में क्या है। टारगेट हिट इन अंडरलिंग बट नॉट बुक, देयर इज चेंज इन अंडरलिंग बट नो चेंज इन प्रीमियम, प्लीज री एनालाइज योर ट्रेड। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अंडरलिंग में आपका टारगेट हिट हो चुका है, पर प्रीमियम में मूवमेंट नहीं है। अब ये कब होता है, एक्सपायरी डे के दिन होता है। ठीक है, अगर एक्सपायरी डे है तो आपके प्रीमियम की मूवमेंट उतनी नहीं होती जितने आपके अंडरलिंग में होती है। तो ऐसा होता है कि अंडरलिंग आपका टारगेट को हिट कर चुका है, पर आप अभी भी लॉस में चल रहे हो। ठीक है, तो उस वक्त आपको ये पॉपअप विंडो आएगी। तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने बाय किया है 127.45 पे, मेरी सेल प्राइस चल रही है 127.35। ठीक है, मतलब 0.1 का डिफरेंस है, और चार्ट में मतलब अंडरलिंग में मेरा टारगेट हिट हो चुका है, दैट इज 2501.45। यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेल में आप देख सकते हो, दिस इज माय टारगेट, और मेरी अभी की प्राइस जो है विच इज 2702, 2502, राइट। तो मेरा टारगेट अंडरलिंग में हिट हो चुका है, बट देर इज नो चेंज इन प्रीमियम, मैं अभी भी लॉस में हूँ। तो तब आपको ये पॉपअप आएगी, तब वो बोलेगा प्लीज री एनालाइज योर ट्रेड। ठीक है, तो ये जो है ये एक्सपायरी डे के दिन होता है, ग्रीक्स दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रीक्स। ठीक, ओके, उसके बाद ऑर्डर स्टेटस प्रॉब्लम। अगर ऐसा ऐसा मतलब ये कभी, दिस इज अ वेरी रेयर केस। क्या होता है कि जीरोदा ने ऑर्डर ली, पर आपको ऑर्डर बुक जो है ऑर्डर स्टेटस में कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब आपको ये भी नहीं दिख रहा कि मेरी ऑर्डर कंप्लीट है, ओपन है, क्या है, और एआरएम को भी वो बता नहीं रहा है, उस वक्त आपको ये पॉपअप विंडो आ जाएगी पंच्ड ऑर्डर स्टेटस नॉट रिसीविंग फ्रॉम जीरोदा, जीरोदा ऑर्डर स्टेटस नहीं दे रहा है, प्लीज चेक जीरोदा ऑर्डर्स, यू वॉन्ट टू कैंसिल द ट्रेड फ्रॉम एआरएम और नॉट। अगर आपको एआरएम से कैंसिल करना है तो येस पे क्लिक करना है, या फिर रिट्राई पे क्लिक कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या होगा, अगर येस पे क्लिक किया, मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो आपको ट्रेड आया हुआ दिखेगा वो क्लियर हो जाएगा, आपको जीरोदा में वो जो ट्रेड है उसका इससे कोई लेना देना नहीं होगा। उसके बाद से सिर्फ यहाँ से ट्रेड हो जाएगा, ट्रेड जो है वो क्लियर हो जाएगा, आपको जो ट्रेड अभी हैंडल करना है वो मैन्युअली जीरोदा में जाके हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, सो एआरएम से बस वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जीरोदा इज नॉट गिविंग द स्टेटस। ठीक है, और अगर रिट्राई भी किया, सो यू कैन वेट कि जब तक जीरोदा मुझे स्टेटस नहीं देता, मतलब जब तक जीरोदा एआरएम को स्टेटस नहीं देता, तब तक यू कैन वेट।
ठीक है, तो ये आपको दो ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद हम आते हैं इमीडिएट एग्जिट कैंसल्ड पे। तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने इमीडिएटली यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, ट्रेड में हूँ मैं एंड मैंने यहाँ पे एग्जिट करने के लिए क्लिक किया। तो एग्जिट करने के लिए क्लिक करने के बाद अगर उसको ऑर्डर नहीं मिली, मतलब ऑर्डर मेरी अगर पेंडिंग में जा रही है, ठीक है, सो यहाँ पे आई शो यू, ये मैंने ट्रेड लिया है, ठीक है, ये मेरा ट्रेड जो है ये मैंने ट्रेड लिया है। अगर मेरी ऑर्डर जो है वो पेंडिंग में जा रही है, ठीक, अगर मेरे ऑर्डर जो है वो पेंडिंग में जा रही है, मतलब अब क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे मैंने इस बटन पे क्लिक किया और मेरी ऑर्डर पेंडिंग में चली गई, तो आपको यहाँ पे वेट आएगा, इन ब्रैकेट यहाँ पे काउंटर आ जाएगा 10 सेकेंड का, ठीक है, डाउन काउंटर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और 1 आने के बाद यहाँ पे आपको ये सेम पॉपअप विंडो आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ड्यू टू फास्टर मूवमेंट आपकी जो ऑर्डर है वो मिल नहीं पाई, और जो आपकी इमीडिएट एग्जिट की जो ऑर्डर आपने डाली थी वो मैंने कैंसिल कर दी। सो एआरएम आपको ऐसा बोलेगा कि वो ऑर्डर जो थी वो 10 सेकेंड से ज्यादा के लिए ओपन रही, तो मैंने वो ऑर्डर कैंसिल कर दी है, आप फिर से एक बार ट्राई करिए, ठीक है। तो आपको फिर से एक बार ट्राई करना है और फिर वो आप, ठीक, फिर से आपको एक बार ट्राई करना है, और उसके बाद अगर उसको ऑर्डर मिल गई तो वो एग्जिट कर देगा, ठीक है। सो आपको ये एग्जिटेड आ गया, तो ये हो गया इस इमीडिएट एग्जिट के बारे में, ठीक। यस, यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्टेटस जो है ये ओपन है, वेट फॉर 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रिंट आ जाएगा, यहाँ पे भी देखिए ये जो लास्ट वाला था हमारा ओपन वेट फॉर 10 सेकेंड्स, उसके बाद कुडेंट एग्जिट आ रहा है, कैंसिलिंग ऑर्डर एंड ऑर्डर इज कैंसल्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। तो पहले अटेम्प्ट में उसने आपको जो ऑर्डर है वो कैंसिल कर दी, उसके बाद मैंने फिर से ऑर्डर डाली, फिर से ओपन रही एंड देन उसको ऑर्डर मिल गई, तो इमिडिएट एग्जिट कर दिया है और ये मेरा ट्रेड जो है ये खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये था ओपन ऑर्डर अगर रहा तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप ट्रेलिंग में भी हो और आपके ऑर्डर ओपन रह रही है तो भी आपको इन वेट आएगा और इन ब्रैकेट काउंटर आएगा, अगर एग्जिट कर रहे हो और ऑर्डर पेंडिंग में जा रही है तो वेट आएगा इन ब्रैकेट आपको काउंटर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर जब भी कभी आपके ऑर्डर इसमें पड़ रही है ओपन या फिर पेंडिंग में जा रही है तो आपको वेट और इन ब्रैकेट काउंटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक उसका स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे देख सकते हो वेट इन ब्रैकेट 9 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन का अगर, ओके, जीरोदा ने, अगर जीरोदा आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, कर रहा है, मतलब आप जीरोदा को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ आपके इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से होगा या फिर जीरोदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो एआरएम जो है वो ट्राई करता है कनेक्शन और मतलब रिकनेक्ट करने का। अगर वो रिकनेक्ट आफ्टर इट्स 5 अटेम्प्ट्स नहीं कर पा रहा है, तो आपको ये पॉपअप आ जाएगा, वो बोलेगा कि प्लीज लॉग आउट कीजिए और फिर लॉग इन कीजिए, ठीक है। तो दिस इज, आपको एक ऐसी पॉपअप विंडो आ जाएगी, जीरोदा सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, मैक्सिमम रिकनेक्शन अटेम्प्ट विच इज 5 हैज रीच लॉगिंग आउट और प्लीज वेरीफाई दैट ऑल पोजिशन आर क्लियर इन योर डीमैट अकाउंट, ठीक है। तो ये आपको ऐसे एक पॉपअप विंडो आ जाएगी। उसके बाद ठीक, अगर आपने ये नहीं लिया हुआ है, क्या आपका लाइसेंस नहीं लिया हुआ है, या फिर आपने अगर गलती से गलत ये डाल दिया, सो यू हैव नॉट प्रोवाइडेड यूजर आईडी। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो इससे, अगर आप एआरएम से रजिस्टर्ड नहीं हो, तो आपको यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन डाल के सबमिट कर देना है, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट एआरएम, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रेड्स भी बता दिए, ट्रेड्स कैसे लेते हैं, ओके। अब और एक आपको एक बात मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा है, ठीक है। तो आपकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी कैसे आपकी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू योर स्टॉप लॉस एंड रिस्क। तो अब मैंने यहाँ पे डाला 24/7/10, ठीक है, 24/7/10 पे जाने के बाद मुझे ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे आप क्वांटिटी दे सकते हो, 22 क्वांटिटी आई है, मेरा स्टॉप लॉस इन पॉइंट जो है वो 5 है क्योंकि मैंने स्कैल्प 5 सिलेक्ट किया एंड रिस्क इज 2%, ठीक है। तो अब अगर मैंने मेरा रिस्क, तो अब मैंने मेरा रिस्क अगर, ओके, फर्स्ट विल गो विथ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर मैंने मेरा बढ़ा दिया, ठीक है, अगर मैंने 10 का स्टॉप लॉस किया तो आपकी क्वांटिटी कम हो गई विच इज 22। मैंने मेरा स्टॉप लॉस और बढ़ाया 15 का, मेरी क्वांटिटी जो है वो 11 से 7 हो गई। मैंने मेरा स्टॉप लॉस और बढ़ाया तो मेरी क्वांटिटी जो है वो 7 से 5 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉप लॉस अगर आपका बड़ा है तो आपकी क्वांटिटी कम आएगी, स्टॉप लॉस अगर आपका कम है
आपकी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा आएगी। ठीक है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस सबसे कम जो है वो 5 पॉइंट का है, तो 5 पॉइंट करने के बाद मेरी क्वांटिटी जो है वो 22 आ रही है। ठीक, मैंने थोड़ा बढ़ाया मेरी क्वांटिटी कम हुई, मैंने और बढ़ाया मेरी क्वांटिटी और कम हो गई, और बढ़ाया और क्वांटिटी कम हो गई। ठीक है, एंड उसके बाद मैं नॉर्मल में जाती हूँ, आई डोंट गो इन स्कैल्पिंग मोड। ठीक है, तो ये मैंने स्टॉप लॉस का दिखाया। अभी अगर रिस्क का हम देखेंगे तो रिस्क अगर मैंने 2 से 3 बढ़ाई, ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो मेरी क्वांटिटी बढ़ गई है, मतलब मैं ज्यादा रिस्क ले रही हूँ। ठीक, और मेरी इन्वेस्टमेंट भी रेड में आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो मेरा जो लाइफ बैलेंस है वो मेरे इन्वेस्टमेंट से जो है वो कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ट्रेड लेने के बाद आपकी जो क्वांटिटी होगी वो कम करके देगा, डिक्रीज करके देगा, क्योंकि आपके पास उतना उतना कैपिटल नहीं है कि आप इसके अंदर उतना ट्रेड ले सको। ठीक है, इसलिए ये आपको रेड में आ रहा है। उसके बाद अगर मैंने इसको कम किया, अब मैंने 2 से 3 किया तो 22 से 24 हुआ। लेट मी मिनिमम कम करती हूँ मैं इसको, इसको मैंने 1 किया। ठीक है, 1 करने के बाद आपको 11 क्वांटिटी आ रही है। इसको मैंने और कम किया, मान लीजिए 0.5 किया तो मेरी और कम हो गई क्वांटिटी। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको 0.1 किया तो मेरी और कम हो गई क्वांटिटी। अभी रिस्क मैं मेरी कम कर रही हूँ, क्वांटिटी मेरी कम हो रही है, यहाँ पे भी मेरी रिस्क जो है वो कम होती है। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस जो है वो कांस्टेंट है, स्टॉप लॉस इज ऑफ 5 पॉइंट्स, बट मेरी जो रिस्क है वो मैं कम ज्यादा कर रही हूँ, तो मेरी क्वांटिटी और रिस्क जो है वो कम ज्यादा होगी। और दूसरा केस ऐसा होता है कि मेरा स्टॉप लॉस अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी भी नहीं मिलती। सो आई शो यू वो कैसा है। ठीक है, तो निफ्टी में यहाँ पे गई, अभी चल रहा है 24705। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला 24600, मतलब मेरा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांटिटी जीरो आ रही है। अब ये क्यों जीरो आ रही है? क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। ठीक है, 105 पॉइंट्स का बड़ा है, और मेरी रिस्क मुझे कम लेनी है, मतलब रिस्क एपिटाइट मैंने मेरा कम किया है और मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, इसलिए वो आपको क्वांटिटी नहीं दे पा रहा है। ठीक, अगर मैंने मेरे रिस्क जो है इसको थोड़ी बढ़ाई, मान लीजिए मैंने इसको 1 किया, ठीक है, अब 1 में भी वो नहीं ले रहा है, मान लेते हैं इसको मैंने 2 किया, अब 2 लिया तो आपको 1 क्वांटिटी मिली। ठीक है, तो 105 पॉइंट के स्टॉप लॉस के लिए 2% में आपको 1 ही क्वांटिटी मिलती है, और रिस्क आपकी जो है वो आती है 1443। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो इसका जो क्वांटिटी का जो रिलेशन है रिस्क और स्टॉप लॉस पे वो समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ओके, एम आई ऑडिबल? फाइन, यस मैम, सो यस मैम, दैट्स इट, सो लेट अस स्टार्ट द क्यू एंड ए। ओके, वन मोर थिंग, और एक बात है, सेटिंग्स का ऑप्शन है यहाँ पे। सेटिंग्स में ये आपको एक ऐसी पॉपअप आती है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स, आपके डिफॉल्ट पैरामीटर्स यहाँ पे सेव कर सकते हो। ओपनिंग बैलेंस सेव कर सकते हो, लाइव बैलेंस सेव कर सकते हो, बुकिंग स्ट्रैटेजी सेव कर सकते हो, टाइम फ्रेम सेव कर सकते हो, ये जो कुछ है यहाँ पे वो सब सेव कर सकते हो। उसके बाद ऑर्डर टाइप में आपको अगर MIS या फिर नॉर्मल में जाना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो MIS टू नॉर्मल। स्ट्राइक डिफरेंस आप चेंज कर सकते हो, आपको जो स्ट्राइक डिफरेंस चाहिए वो स्ट्राइक डिफरेंस आप चेंज कर सकते हो। अब ये जो MIS नॉर्मल जो है ये आपको यहाँ पे भी दिखेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेट मी शो यू, अब ये जो है ये मैंने न्यू पोजीशन ली है। ठीक है, ये मैंने न्यू पोजीशन ली है निफ्टी में, चार्ट में लिया था, चार्ट ब्रेकआउट या फिर पुल बैक नहीं था। मेरा जो स्ट्राइक था दैट वॉज ITM। उसके बाद मैंने ऑर्डर कौन सी ली थी, MIS ऑर्डर ली थी। किस में ली थी, कौन सी स्ट्रेटेजी में थी, FPNL स्ट्रेटेजी में थी। मेरा जो डेल्टा था वो कितना था, और लेते वक्त मेरी प्राइस क्या थी। ठीक है, तो ये सब आपको आपके कंसोल में दिख जाएगा कि कितने पे लिया, क्या था, कौन सा था, कब लिया, सब 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 आपको आपके कंसोल में दिख जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट, लेट अस स्टार्ट द Q&A सेशन देन। ठीक है, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, वन एट अ हाय टाइम, मैम, प्रशांत जी हेलो बात कीजिए। मैडम, मेरे दो तीन छोटे सवाल हैं। आपने बताया कि पेपर ट्रेडिंग में तो हम बैलेंस चेंज कर सकते हैं, क्या लाइव ट्रेडिंग हाँ, में बैलेंस चेंज किया जा सकता, ओपनिंग बैलेंस बदल सकते हैं? लेट से मेरे पास 5 लाख रुपए है, लेकिन मैं ARM से सिर्फ 1 लाख से ही ट्रेड करना चाहता हूँ, ये पॉसिबल है? नहीं मतलब आपको बोलना ये है कि जीरोधा हाँ, में पांच मेरा लाख है सबसे मैं इक्विटी में भी इंट्राडे करना चाहता हूँ या कमोडिटी भी कर रहा हूँ, लेकिन 5 लाख में मैं सिर्फ ARM को 1 ही लाख रुपए अलॉट करना चाहता हूँ, हाँ, तो आप पेपर ओनली मोड में कर सकते हो ना। नहीं तो पैसा थोड़ी मिलेगा मुझे। अच्छा, रियल रियल ट्रेडिंग में आप बात कर मैं रहे रियल हो। ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, मैं अभी मेरे सारे सवाल रियल ट्रेडिंग से मैडम, पेपर से नहीं है। ओके,
आपको आपकी जो रिस्क जो है ना, वो रिस्क आपको उस ऐसी एडजस्ट करनी पड़ेगी कि मेरा 1 लाख का ही कैपिटल जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अच्छा ठीक सो है, आपकी जो रिस्क इन परसेंटेज है, वो आपको एडजस्ट ही वैसी करनी पड़ेगी, 5 लाख का फिर मुझे 0.5 करना पड़ेगा अगर मैं ठीक। ऐसा कर रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ यस ओके, यस 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 अदरवाइज वो चेंज नहीं हो सकता है। नहीं, आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, वो चेंज नहीं कर अच्छा, सकते। दूसरा एक छोटा सवाल है, जैसे हम पुल बैक और ब्रेकआउट है, तो ये मैं ये समझ रहा हूँ कि ये हम शेड्यूल कर रहे हैं एक तरह का ट्रेड को, कि ये हो यस सकता है आधे यस घंटे के बाद भी वो ट्रेड हो, 1 घंटे के बाद भी, करेक्ट तुरंत भी हो। करेक्ट। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने पुल बैक की एक ट्रेड वहां दी हुई है और बाय हाँ चांस मैंने ऐसे में के ऊपर एक ट्रेड मेरे को दिखता है और मैं तब वो लेना चाहता हूं, तो क्या वो उसको ओवरराइड करेगा या कैंसिल हो जाएगी ट्रेड? नहीं अभी समझिए मैंने लगाया पुल बैक पे एक ट्रेड यहाँ पे मार्क किया, उसने दिखाया है, कि वो ठीक है। 10 क्वांटिटी ले सकता है और वो हाँ अब 1 घंटे मैं बैठा हूँ बैठा हूँ, वो तो आया नहीं, अचानक मुझे लगा कि मेरा दूसरे स्ट्रेटेजी से मुझे ट्रेड मिल रहा है, ठीक। उस सिचुएशन में मेरा क्या पोजिशन बनता है, हाँ मेरे को तो क्या उस करना वक्त चाहिए? आपको रिफ्रेश करना है, उस वक्त आपको अगर इमिडिएटली ट्रेड लेना है तो रिफ्रेश करना है और यहाँ पे इमिडिएटली ट्रेड ले लेना है। वो आपका तो जो वो पुल ट्रेड बैक जो या मैंने फिर पहले से ब्रेकआउट शेड्यूल का किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा या कहीं कैंसिल कंफर्म हो में सेव जाएगा, रहता है? कैंसिल कैंसिल हो जाएगा। ओके ओके, वो एक हो गया। और दूसरा एक ही मेरा छोटा सवाल है कि ये जो बुल स्टॉप लॉस है, दिस इज ओनली फॉर कॉल एंड बेयर स्टॉप लॉस है ये पुट के लिए है, बराबर है? बराबर है ना? जी, यस यस ओके ओके, सो मैं कॉल का अगर कोई ले रहा हूं तो मुझे बेयर स्टॉप लॉस मैंने नहीं भी डाला है तो भी चलेगा? हाँ। आप कॉल ले रहे हो तो बुल स्टॉप लॉस ही आपको मैटर करता है, ठीक। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके यस हेलो हेलो हेलो, जी। मैम मैंने लिया हुआ है पेपर ट्रेडिंग का, हाँ 1 महीना हो गया पर मेरा वर्क नहीं कर रहा है सॉफ्टवेयर, आप क्या हेल्प कर सकते हैं? आपका नंबर वगैरह, क्योंकि अच्छा गावा सर से भी मैंने बात किया था तो जी जी भी नहीं नहीं हो रहा आप, है हाँ हाँ उन... आप gavamentoring@gmail.com पे मेल कीजिए। नहीं अरे उनको फोन भी किया है मैम पर नहीं हो रहा है, नहीं अब नहीं तो एनी gavamentoring@gmail.com पे आप मेल कीजिए या फिर चैट कीजिए, चैट पे डालिए, ठीक है। क्योंकि ओके हम आपको वहां से सपोर्ट देते हैं, गाबा मेंटोरिंग, gavamentoring@gmail.com। ओके मैं चैट में डाल देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। से आप सेटिंग कर सकते हो मैम, आप कोई सपोर्ट दे सकते हो? हेलो, नहीं आपको ठीक ये यूज करना पड़ेगा, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ओके, ये मैंने जी, कर रहा ये मैंने आपको मेल डाला है, सबको यहाँ पे चैट में मेल डाला है। आपको अगर कोई भी सॉफ्टवेयर के बारे में प्रॉब्लम हो या फिर वर्क करते वक्त कुछ है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वहां पे मेल कर सकते हो या फिर चैट में पिंग कर सकते हो, मैं। ठीक है आकाश जी। अच्छा नहीं आया ट्रेड, मेल नहीं आया है, मैंने नहीं चैट में डाला है, चैट में डाला है, चैट में दिया चैट चैट में नहीं आया। एवरीवन। ओके ओके ठीक, ओके फाइन। चिन्मय जी, जी मैम, हैंड रेज है आपका। ओ सॉरी वो गलती से। हेलो हाँ ओके, नेक्स्ट किसी को सवाल है? हरीश, आप बात कर एंट्री सकते हैं, और, आप हेलो सब बात कर सकते हैं। एंट्री और जी स्टॉप लॉस साथ में ही लग सकता है? हेलो नहीं, आपको एंट्री लेने से पहले आपका स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा, वो मैन्युअली डालना पड़ेगा? मैनुअली नहीं। आपको आपका जो स्टॉप लॉस है वो प्रीवियस कैंडल का हाई और लो यहाँ से आ सकता है आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से। ऑटो ऑटो ऑटोमेटिकली आएगा, ऑटो आएगा वो स्टॉप लॉस, हो जाएगा। ठीक है। तो स्टॉप लॉस आप यहाँ से भी डाल सकते हो। टोटल यहाँ पे स्टॉप लॉस डालने के 10 तरीके हैं, आपको जो यूज करना है वो आप तरीका यूज कर सकते हो। और मैम जो 5 मिनट कैंडल में हम स्टॉप लॉस यूज करते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो प्राइस को टच करके उसके बाद ऊपर जाता है। ओके अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, प्राइस को टच करके ऊपर जा रहा है तो ये वो मार्केट है, वो मार्केट में आप क्या करेंगे। तो बिक जाएगा ना मैम कॉन्ट्रैक्ट?
हेलो जी सौरभ जी, नीतू जी बात कीजिए। हाँ या मैम मैम दी ARM का तो अच्छा हुआ। मुझे सिर्फ ये पूछना था कि स्टार्टिंग में मेरा वो मिस हो गया जहाँ पे आप वो बता रहे थे कि कलर है और कलर के बाजू में जो बैकग्राउंड है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ हाँ पे हम देखते हैं अंडरलाइंग फ्यूचर, वो पूरा रेड में है हाँ ब्रैकेट, और उसकी बाजू में जो कलर है वो उसका मीनिंग क्या है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ओके आई विल शो यू दैट। ठीक है सो इसका स्नैपशॉट आप ले सकते हो। यहाँ पे अगर बॉर्डर, आप बॉर्डर की बात कर रहे हो ना, तो बॉर्डर जो है ये आपका फ्यूचर और स्पॉट, फ्यूचर और स्पॉट में अगर फ्यूचर इज इन प्रीमियम तो आपका बॉर्डर जो है वो ग्रीन में आएगा, अगर फ्यूचर डिस्काउंट में है तो बॉर्डर जो है वो रेड में आएगा, और अगर फ्यूचर इज इक्वल टू स्पॉट देन योर बॉर्डर विल बी येलो इन कलर। ओके एंड व्हाट अबाउट दिस ग्रीन कलर एंड रेड? मैंने बताया ना कौन सा बैकग्राउंड कलर बात कर रहे हो कि बॉर्डर की बात कर रहे हो। बैकग्राउंड और बॉर्डर दोनों ही ओके दोनों में क्या है वन अभी। बाय वन। ओके आई आई टेल यू वन बाय वन। बॉर्डर का अगर आप देखोगे तो फ्यूचर अगर डिस्काउंट में है तो ग्रीन में आएगा, फ्यूचर अगर आपका प्रीमियम में है तो रेड में आएगा, और अगर फ्यूचर इज इक्वल टू स्पॉट है तो येलो में आएगा। ठीक है ये हो गया हमारा बॉर्डर का। और अगर बैकग्राउंड का अंदर का अगर कलर देखेंगे तो अगर फ्यूचर की सीएमपी अभी जो प्राइस चल रही है दैट इज इक्वल टू ओपन तो वो आपका येलो में आएगा, अगर फ्यूचर की सीएमपी इज ग्रेटर देन ओपन मतलब अभी फ्यूचर मेरा ग्रीन में चल रहा है तो ये ग्रीन में आएगा, और अगर अभी फ्यूचर मेरा रेड में चल रहा है तो बैकग्राउंड जो है वो रेड में आएगा। ओके ठीक है चलेगा। मैम वन मोर रिक्वेस्ट कि इसकी रिकॉर्डिंग हमें मिलेगी क्योंकि आप थोड़ा फास्ट जा रहे थे तो हाँ मिल थोड़ा समझ। जाएगी ओके मिल जाएगी सो मिल हमारे जाएगी। जो है उसमें हमें मिलेगा राइट? जी मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग, टेलीग्राम टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, टेलीग्राम ओके थैंक यू। ओके पे आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। ठीक थैंक यू। यस ओके हेलो नेक्स्ट मैम। जी। हाय सो मैम करंटली आई एम जस्ट डूइंग पेपर ट्रेडिंग, आई एम नॉट हाँ डन द रियल ट्रेड, पर द लास्ट टाइम व्हेन दिस इज ओनली लाइक द फर्स्ट वीक मैं यूज कर रहा हूँ इसको। सो हाँ लास्ट टाइम व्हेन आई वाज ट्राइंग टू डू इट, इट सेड प्लीज चेक द फॉलोइंग, इट सेड बुल स्टॉप लॉस, लाइफ बैलेंस, सीई आईटीएम, आज प्राइस, चार्ट, बीओ, एंड आई वाज नॉट एबल टू टेक अ पेपर ट्रेड, मीन्स हाँ लाइक यू आर ऑलरेडी इन अ ट्रेड करके, पर आई वाज नॉट इन अ ट्रेड, आई डिडंट हाँ अंडरस्टैंड व्हाट वाज बुल स्टॉप लॉस, लाइफ बैलेंस, सीई आईटीएम, हाँ चार्ट। ओके ओके तो अब आपको समझ में आ गया क्या है। नहीं नहीं मैम मैं उस दिन उसको रिफ्रेश किया एंड देन आई डिडंट डू एनीथिंग आफ्टर नहीं दैट नहीं सेकंड ट्रेड। मैंने आज एक्सप्लेन किया। ओके आई आई टेल यू अगेन। ठीक है मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। तो ये वाला पॉपअप आया था राइट। करेक्ट करेक्ट यस हाँ मैम। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बुल स्टॉप लॉस आपका चेक करना है, आपका शायद स्टॉप लॉस जो है वो गलत है, मतलब स्टॉप लॉस को आपको एक बार देखना है कि अगर बुल है तो मेरा अभी के प्राइस से कम है क्या, बियर है तो अभी के प्राइस से ऊपर है क्या, दिस इज बुल स्टॉप लॉस। लाइव बैलेंस एक बार चेक करना है। अभी आप बोले कि आप पेपर में थे हाँ बराबर, यस तो पेपर मे बी ट्रेडिंग। आपका लाइव बैलेंस जो होगा वो जीरो होगा इसलिए फिर उसने ट्रेड नहीं लिया। ओके उसके ओके बाद आपको आस्क प्राइस चेक करनी है, आईटीएम आस्क प्राइस, मतलब अभी आज छुट्टी है तो फिर वहां पे जीरो है ठीक है। उसके हाँ बाद चार्ट ब्रेकआउट पुल बैक की प्राइस चेक करनी है, मतलब ओके आपने ब्रेकआउट पुल बैक सिलेक्ट किया हुआ है और कुछ वैल्यू डाली नहीं है और आप ट्रेड ले रहे हो तो वो आपको ऐसी पॉपअप विंडो देगा, या फिर यू आर ऑलरेडी इन ट्रेड। अब ये जो है ये एक तो ये होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, लास्ट वाली जो लाइन ओके है यू आर ऑलरेडी इन ट्रेड वो ही नहीं है, ऊपर के भी है जो हाँ जिसके वजह से वो पॉपअप आई है आपको। हाँ ठीक मोस्ट है प्रॉब्ली वो बुल स्टॉप लॉस की वजह से, बट दैट इज हाँ ऑटोमेटिक ना मैम, बुल स्टॉप लॉस बेस्ड ऑन द प्रीवियस कैंडल, इट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट द बुल स्टॉप लॉस यस ना। यस 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 यस। ओके ठीक पर हर है बार आप ट्रेड नहीं ले सकते ना उसके ऊपर, क्योंकि क्या ओके होता है ऐसा हो सकता है कि एक कैंडल बहुत बड़ी ऊपर की बन गई, एक कैंडल बहुत बड़ी नीचे की बन गई, स्टॉप लॉसेस आपके बड़े हो गए, या फिर कैंडल का पोजीशनिंग वैसा होगा तो उस वजह से आपके ओके स्टॉप लॉस ऊपर नीचे हो सकता है। अंडरस्टूड मैम अंडरस्टूड, आई विल ट्राई एंड इफ एनीथिंग आई विल परसीव अगेन। ओके फाइन थैंक यू। नेक्स्ट। सौरभ हेलो हेलो जी 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 आवाज सौरभ एक एक ही प्लीज बात कीजिए। हेलो मैम, जो आपका टेलीग्राम चैनल है हाँ वो ARM NFO रियल जो है उसी पे आएगा इसका रिकॉर्डिंग लिंक?
हाँ उसके ऊपर आ जाएगा रिकॉर्डिंग लिंक। जी बिकॉज मैंने अभी सिर्फ पेपर ट्रेडिंग ऑफ किया है तो मुझे भी मिल जाएगी ना रिकॉर्डिंग। जी जी मिल जाएगी, आप हो ना उस टेलीग्राम पे, अगर आप टेलीग्राम पे हो तो मिल जाएगी। एक ही ग्रुप है ना, देयर इज नो अदर जी ग्रुप जी राइट? एक ही है, एक ही है, एक ही ग्रुप है। हाँ, कब तक आ जाएगी रिकॉर्डिंग? एनी आइडिया? मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। हेलो हाँ मैम, आवाज आ रही जी जी बात है? कीजिए। मुझे पूछना था कि ARM तो बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर कि इसमें डार्क मोड में अगर हो जाए, क्योंकि आंखें काफी दर्द करती हैं, क्योंकि जो ट्रेडिंग व्यू में डार्क मोड होता है, तो क्या इसमें ऐसा फीचर कुछ एक ही छोटा फीचर ऐड हो जाए तो? अभी ठीक है, काम काम करेंगे उसके ऊपर भी। जी हेलो, ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। जी हेलो बात कीजिए। जी बात मैम, मैं सौरभ बोल रहा हूँ। अच्छा, कीजिए। मैं पूछा भाई थी कि वहां जाने के, मतलब कि हम जैसे सवेरे जा रहे हैं हेलो, तो खाने सौरभ लेते बात, हैं ना सर। जी हेलो, बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए। हाँ, मैंने अनम्यूट कर दिया। तो मैं ये बोल रहा था कि मैम, जैसे मैं जब बैंक निफ्टी में ट्रेड लेता हूँ, हाँ जैसे 9:15 में मैंने फर्स्ट कैंडल में जब मैं लेता हूँ, तो कभी कभी हाँ क्या होता है कि वो ट्रेड चलते चलते और माइनस में बुक हो जाता है, 17 रुपये 18 रुपये ऐसा बुक होता है कहीं हाँ पे, तो हाँ हाँ किस किस वजह से होता है ये? स्ट्रेटेजी मतलब आपने स्ट्रेटेजी जो सिलेक्ट की होगी उसके हिसाब से होता होगा ना। वो स्लिपेजेस भी होते हैं ना मैम, हाँ ये स्लिपेजेस, स्लिपेजेस भी होते तो हैं। यस यस ये बैंक निफ्टी में ही दो तीन कई बार हुआ है, 3-4 बार हो चुका है सर। हाँ दैट इज, अभी बैंक निफ्टी बहुत लिक्विड है, उसके अंदर ट्रेड्स मतलब जो है बहुत वोलाटाइल है, बहुत लिक्विड है, तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से वो होता है। अच्छा, बाकी तो ठीक है, सॉफ्टवेयर में तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सॉफ्टवेयर है। हाँ कौन सा यूज आपकी कर स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करते हो आप? स्ट्रैटेजी में कौन सा है, मैं एसपीएनएल यूज करते हो? FPNL 50% रखता हूँ मैं, ओके 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 ठीक पहला ठीक ठीक टारगेट बुक करने के बाद नीचे आता है। तो फिर आपका जो पहला टारगेट बुक करने के बाद फिर नीचे आता है, मतलब फर्स्ट ट्रेल होने के बाद, बराबर? हाँ हाँ, हाँ तो दैट इज बिकॉज ऑफ स्लिपेज। यस ओके ओके, ठीक ठीक है, नेक्स्ट। है। अमित बात कर रहा हूँ, जी बात कीजिए। ये रियल ट्रेड के टाइम पे ना ARM हैंग करता है, स्लो चलता है। नहीं अभी तो, क्योंकि हमने भी किए हैं इतने तो। मैंने पेपर तो ओके सही चलता है, लेकिन वो रियल वाला अच्छा, हैंग करता आप एक काम कीजिए, आप gavamentoring@gmail.com पे ये कीजिए, मेल कीजिए प्लीज। है। मेल किया था तो बोल रहे इंटरनेट का प्रॉब्लम, इंटरनेट तो 300 Mbps टाटा नहीं नहीं स्काई पे, नहीं उसे टेस्ट। ओके ओके एक सेकेंड, आपका इंटरनेट का अलग रहता है, मतलब आप अपलोड स्पीड एंड डाउनलोड स्पीड इज डिफरेंट एंड पिंग एंड लैटेंसी इज डिफरेंट। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आपका इंटरनेट भले ही बहुत अच्छा हो पर आपका पिंग जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक, तो पिंग का मतलब ये होता है कि मेरा इंटरनेट सर्वर को कितने जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ऐसा होता है कि आपका पिंग अगर ज्यादा है तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए, और उसका टाइम आउट रहता है, देर इज उसका कुछ टाइम का टाइम आउट रहता है, अगर उतने देर में वो नहीं हुआ तो फिर नॉट रिस्पॉन्डिंग आएगा। आप एक काम कीजिए, आप एक बार ना ARM रीइंस्टॉल कर लेना। ठीक है, रीइंस्टॉल कर लिया हम 2-3 बार, जी नहीं, आज और आज फिर से रीइंस्टॉल कर लीजिए, और कल 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 मंडे है राइट, कल कल आप ट्रेड करके देखिएगा। एक कंप्यूटर पे ठीक चलता है, लेकिन लैपटॉप पे ऑफिस में हैंग करता है, इसलिए पूछ पाऊँ। तो घर वो पे इंटरनेट का कंप्यूटर इशू ठीक, होगा, वो इंटरनेट का इशू होगा, क्योंकि आपका घर पे लैपटॉप है, आपका घर पे डेस्कटॉप है, हाँ आपका आपका अगर जगह चेंज हो रही है तो इंटरनेट चेंज हो रहा होगा ना। इंटरनेट मतलब देर इज सम इशू इन द इंटरनेट घर इटसेल्फ। पे कभी कभी स्ट्राइक प्राइस और लॉगिन तो हो जाता है, स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम नहीं शो करता है। जी, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द लैटेंसी ऑफ योर इंटरनेट। ठीक है, तो आप एक कर सकते हो, आप आपका इंटरनेट प्रोवाइडर चेंज करके चेक कीजिए। ठीक है, मतलब जियो का यूज कर रहे हो तो BSNL का करके देखिए, मतलब कोई दूसरा करके देखिए, एंड फिर लॉग इन करके देखिएगा, चेक करके देखिएगा। ठीक, ठीक मैम, बहुत दिन से टाटा स्काई कर रहे हैं, पेपर पे तो चलता है, रियल पे प्रॉब्लम करता है। जी, तो आप एक ये ट्राई करके देखिए ना, आप चेक करके देखिए दूसरे इसके ऊपर, दूसरे सर्वर इंटरनेट प्रोवाइडर के साथ। जो ऑनलाइन उसके लिए तो एप्लीकेशन देना पड़ेगा, दोबारा लगा लेंगे।
नहीं, आपको एआरएम का फिर से एप्लीकेशन क्यों लेने की जरूरत है? इंटरनेट के लिए उसमें तो टाइम लगेगा आपसे। नहीं, अभी आपको देखना पड़ेगा, तो कोई दूसरा अगर इंटरनेट लाइव प्रोवाइडर होगा तो आप कल लाइव आ जाइएगा इसके ऊपर, गाबा मेंटरिंग एट द रेट gmail.com के ऊपर, ठीक ठीक है? चैट के ऊपर आ जाइएगा, आपने शायद ईमेल किया है, आप चैट के ऊपर नहीं हो, राइट? चैट अमित में भी था कुमार, एक बार, चैट भी। हाँ अमित कुमार था। ठीक अमित कुमार, राइट? हाँ, तो मैं आपको चैट पे पिंग कर रही हूँ, आप कल प्लीज चैट पे लाइव आ जाइएगा, कल कितने ठीक? बजे? कल, अब आपको जब प्रॉब्लम आएगा तब आप कीजिएगा पिंग, ठीक ठीक है? ओके मैंने आपको पिंग कर दिया है, अभी जस्ट पिंग किया है, ठीक है? अमित ओके, नेक्स्ट। एक बार लैन केबल से कनेक्ट करके देखना आप, अगर वाईफाई से वो इशू होता है मोस्टली, और लैन से अपन कनेक्टेड है तो फिर वो इशू नहीं होता है, थोड़ा हाँ, कनेक्टिविटी बेटर मिलती है। यस यस यस, सी देर आर सो मेनी इश्यूज बेसिकली। वाईफाई कनेक्ट करते बहुत सारे लोग मोबाइल से करते हैं, तो मोबाइल से करने से अच्छा अगर यूएसबी टीथरिंग किया तो स्पीड अच्छा मिलता है। लैन लैन वर्सेस उसमें भी लेटेंसी का डिफरेंस आ जाता है। लैन का कनेक्शन है तो वो बेटर है वाईफाई के कनेक्शन। कनेक्शन से। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और क्योंकि अभी ये सॉकेट में चल रहा है तो उसके वजह से उसका स्पीड इंप्रूवमेंट भी हुआ है। लेकिन अगर स्पीड अगर ज्यादा चाहिए तो इंटरनेट फास्ट चाहिए, कंप्यूटर भी फास्ट चाहिए। अगर आपका इंटरनेट और कंप्यूटर फास्ट नहीं है तो ये सारे प्रॉब्लम्स आने ही वाले हैं। कंप्यूटर 3 Mbps स्पीड है टाटा स्काई का। नहीं, ये अभी डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड मैटर नहीं करता है। बेसिकली डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड तो बहुत ज्यादा दिखाता है, लेकिन वो डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड के लिए उसका लेटेंसी अगर 1000 है तो दैट इज यूजलेस। आप समझिए इस बात को। जियो आजकल यही ट्रिक यूज कर रहा है। जियो का जो डाउनलोड अपलोड स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका जो क्वालिटी है कनेक्शन का वो बहुत पुअर है। उससे बेटर तो फिर BSNL है। लेकिन टाटा स्काई का तो क्वालिटी बहुत बेटर है ना अभी। अब क्वालिटी मतलब ये एक ही पैरामीटर पे डिपेंड नहीं रहता है, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। देर आर सो मेनी डिफरेंट पैरामीटर्स विच आर कमिंग इनटू पिक्चर व्हेन यू आर कनेक्टिंग टू इंटरनेट एंड रियल, व्हेन यू आर एक्सेसिंग ए रियल टाइम डेटा। आर यू गेटिंग? यू आर नॉट वॉचिंग एनी वीडियो दैट यू आर कनेक्टेड टू, कनेक्टेड वंस एंड देन यू आर एंजॉइंग द वीडियो। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज ए रियल टाइम डेटा ऑल द टाइम। देर इज ए रिक्वेस्ट एंड देर इज ए रिस्पॉन्स। सो इन दैट केस यूर दिस लेटेंसी एंड जिटर इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, सो डोंट जस्ट बिलीव दैट कि बाबा माई डाउनलोड स्पीड इज 100 Mbps एंड स्टिल आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट, बिकॉज योर लेटेंसी इज वेरी हाई। योर सर्विस प्रोवाइडर इज गिविंग यू डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड, बट द क्वालिटी ऑफ कनेक्शन इज वेरी पुअर। द मीनिंग इज दिस। ओके, ओके, नेक्स्ट। अनम्यूट करके बात कीजिए। हरिदास, सौरभ हैंड रेज है, आकाश, नीतू हैंड हेलो, रेज है, हरीश आवाज आ रहा है मेरा? जी। मुझे पूछना था, कभी कभी क्या होता है दोस्त में खरीद लेते हैं तो हाँ, यहाँ पे ARM में नहीं है, तो जीरो में यहाँ पे एक तो बैलेंस में इम्पैक्ट हो जाता है, और जीरो में बैकिंग में ट्रेड चलता रहता है। नहीं, आपका सवाल नहीं समझा, आपका आवाज भी क्लियर नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है सही से? जैसे जी, बात कीजिए। यस, अभी आपने यहाँ से रियल ट्रेड लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल हाँ, कोई भी निफ्टी बैंक निफ्टी किसी में भी हमने रियल ट्रेड लिया, ठीक है, तो यहाँ पे वो ट्रेड नहीं दिखाएगा कि एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन जीरोधा में वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, वो हमको पता नहीं चलता अनलेस एंड अनटिल जो वहाँ पे जो लाइव बैलेंस दिख रहा है उसमें अगर हमको डिफरेंस दिखे तभी हमको पता चलता है कि बैक एंड में ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। तो इस सिचुएशंस को कैसे हम लोग अवॉइड करें? नहीं ऐसे नहीं होता। आपने शायद पहले की कोई ऑर्डर आपके डाल के रखी होगी, वो एग्जीक्यूट हो गई इसलिए कुछ होगा, या फिर आपका पहले ही ट्रेड चल रहा होगा, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब आज तक तो भी किसी ने ऐसा बोला नहीं है, कभी हुआ नहीं है, हमने भी ट्रेड किया है,
कि यहाँ पे ट्रेड नहीं आया और जीरोधा में ट्रेड आ गया, इट इज वर्किंग अगेंस्ट द ऑर्डर आईडी। मतलब एआरएम जो है ये आपके ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट काम करता है, मतलब अगर जीरोधा में आपका वो ट्रेड चल रहा है तो एआरएम में वही ट्रेड आपका चल रहा है, राइट? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से आपने क्लिक किया, यहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज आ जाएगा, मतलब कोई ना कोई रीजन से यहाँ पे नहीं दिखेगा, या नहीं, कुछ एरर आपको मैसेज कुछ आ जाएगा। मैसेज, कुछ मैसेज, क्या मैसेज? जैसे अभी आपने जो आपको चार सारा, पांच अलग आपको अलग, जो कुछ होगा ना वो मैसेज के ऊपर ही है, मतलब अगर वो मैसेज में बोला होगा कि आपका ट्रेड जो है वो ओपन है या फिर कुछ है, तो उस वक्त आपको वो मैसेज पढ़ के ही जीरोधा की तरफ जाना होगा, राइट? मैसेज में सब दिया होता है, दैट ठीक है। मैसेज इज इम्पोर्टेंट। अगर उस मैसेज में ऐसा बोला होगा कि, अगर उस मैसेज में ऐसा बोला होगा कि आपका ट्रेड जो है वो ओपन है, ठीक, तो उस वक्त आपको जीरोधा में जाके ही आपका ट्रेड को ये करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। ऐसी ऐसी टाइप की कुछ पॉपअप आ रही है क्या आपको? क्योंकि नहीं अभी इसमें, अभी इस पॉपअप में वही है, इस पॉपअप में वही है, ये बोल रहा है कि जीरोधा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जीरोधा मुझे ऑर्डर बुक नहीं दे रहा है, तो आपको जीरोधा में जाके ही उसको हैंडल करना पड़ेगा। ये पूछ रहा है आपको कि आपको एआरएम से ट्रेड कैंसिल करना है क्या? अगर आपने येस पे क्लिक किया होगा तो ट्रेड तो आपका कैंसिल हो चुका होगा एआरएम से, आपको एआरएम में ट्रेड नहीं दिखेगा वो, पर जीरोधा में दिखेगा, तो आपको इसके बाद जीरोधा में जाके ही उस ट्रेड को हैंडल करना है। इट मीन्स दैट, तो पॉपअप में आपको सब समझ जाएगा, वो पॉपअप इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? ठीक, थैंक यू। ठीक है, और कोई है? हाँ मैम, मैं अभी लाइव मेंटरिंग के लिए पेमेंट किया था। हेलो, नहीं, लाइव मेंटरिंग का आप रिगी टीम से कांटेक्ट कीजिए प्लीज, ये एआरएम का है, दिस इज एआरएम, ठीक ओके है? कुछ मैम, और ओके सवाल है एआरएम के बारे में किसी को? मैम। अनम्यूट करके बात कीजिए प्लीज। मेरा एक सवाल है कि यस, जैसे कभी कभार बहुत हाईली वॉलेटाइल मार्केट में स्टॉप ऑर्डर, स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर होता है वो कई बार स्किप हो जाता है, तो मुझे बस इतना पूछना था कि इसमें मार्केट ऑर्डर भी प्लेस होते हैं, सभी लिमिट ऑर्डर ही प्लेस होते हैं? सब लिमिट ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, अच्छा, ठीक है मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं होती, ठीक? ठीक। ओके, मैम एक बात बताइए, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज, तो इज देयर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट वन नीड्स टू बुक कि इससे नीचे करेंगे तो लॉस है, तो कमीशन वाइज कितना होता है मिनिमम इसमें? नहीं, आपका सवाल नहीं समझ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाँ हमने रियल ट्रेड में 2 लाख रुपीज लगाया, हाँ उसमें व्हाट शुड बी द मिनिमम रिटर्न, कि हमें पता है कि इसमें जब कमीशन कटेगा सब कुछ कटेगा तो वी आर स्टिल इन प्रॉफिट। ऐसा तो नहीं है कि हमने 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये बुक किया एंड वी नो कि हमारा कमीशन ऑलरेडी इससे काफी ज्यादा ब्रोकरेज, ब्रोकरेज की है। बात कर राइट, रहे हैं आप? करेक्ट 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 हाँ, करेक्ट। तो वो जो है वो आपको जीरोधा से ही देखना पड़ेगा कि जीरोधा में कितना ब्रोकरेज लगता है। सो, मतलब अगर आप ऐसे अंदाज से करेंगे तो 100 रुपये ब्रोकरेज तो लग ही जाता है एक ट्रेड लेने को, अच्छा, ठीक है? मतलब ओके बाइंग की ओके एक ओके ऑर्डर, सेलिंग की एक ऑर्डर, एसटीटी, ये वो सब सब करके वो आपका 100 रुपए के आसपास तो आता है, ठीक है मैम, परफेक्ट परफेक्ट। तो उससे ये ठीक फर्क नहीं पड़ता अमाउंट कितना बड़ा है, क्या वो लगभग लगभग इतना ही रहता है, या मेरा जो एग्जांपल है उसके है? हिसाब से आप आपको बताएंगे? नहीं, आपको आपके हिसाब से आपका कितना आता है, क्या आता है, वो जीरोधा के ब्रोकरेज, जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर रहता है, तो उसके ऊपर ओके आपको जाके एक बार चेक करना पड़ेगा कि ओवरऑल आपका कितना आता है, मतलब आपने कितना प्रॉफिट बुक किया तो उसके ऊपर कितना आएगा, क्या आएगा, क्योंकि कुछ पैरामीटर्स आपके प्रॉफिट के ऊपर होते हैं जो चेंज होते हैं, कुछ जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, दैट इज ब्रोकरेज। तो टेंटेटिव ऐसा ही कुछ होता है, मतलब 100, 200, हाँ 300 हाँ यही मान हाँ के हाँ चले ना? यस 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 ठीक है यस ठीक है ठीक है। और किसी को कुछ सवाल है एआरएम के बारे में? अनम्यूट करके बात कीजिए प्लीज। ओके, आई गेस देयर आर नो क्वेश्चंस। मैम, जी मैंने अभी तक एआरएम यूज करना स्टार्ट नहीं किया, लाइक 2 दिन पहले ही मैंने लिया है वो। हाँ अभी मैं यूज करना स्टार्ट करूंगी, आपका जो वीडियो है वो चेक करूंगी, उसके बावजूद हाँ अगर मुझे कोई डाउट होता है तो
तो फिर कैसे करेंगे? मैंने चैट में गाभा मेंटरिंग एट द रेट gmail.com डाला है, तो इस मेल के ऊपर आप पिंग कर सकते हो, मेल कर सकते हो, आपको जो कुछ क्वेरीज क्वेश्चंस है वो आप यहाँ पे भेज सकते हो। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके और कुछ सवाल है? गाबा मेंटरिंग से हम कॉल भी कर सकते, मतलब कॉल भी कर सकते हैं, अगर आपने चैट पे पिंग किया तो वो हम डायरेक्टली कॉल करके भी आपसे बात कर सकते हैं क्या है कैसा है। सो वी कैन टॉक ऑन कॉल आल्सो ऑन गाबा मेंटरिंग। ठीक है, कोई सवाल है किसी को और? कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा? नहीं, कांटेक्ट नंबर नहीं है, आपको मेल मेल पे ही डालना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। ना और कोई है? मैम, जी मुझे एक पूछना था कि जैसे एग्जैक्ट अमाउंट के साथ हमको ट्रेड करना है, सपोज 30,000 है, 50,000 है ना, तो वो अमाउंट हम सिर्फ मतलब जो रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, या फिर एग्जैक्ट अमाउंट डाल के भी सेम अमाउंट के साथ ट्रेड कर सकते हैं रियल ट्रेडिंग मोड पे? नहीं, रियल में आपको अगर करना है तो रिस्क से ही आपको करना पड़ेगा, रिस्क एडजस्ट करके आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। अच्छा, पूरा एग्जैक्ट नहीं कर सकते ना? नहीं, आप यहाँ से वो चेंज नहीं कर सकते कि ये मतलब इतना है इसमें से मुझे इतने में ही एआरएम से ट्रेड करना है, वो नहीं कर सकते। आपको रिस्क को एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर ही ट्रेड लीजिए। ओके ठीक है, ओके। आपको एडजस्टमेंट जो है वो पेपर में जाके चेक कीजिए कि कितने में क्या आ रहा है, कितने पे क्या आ रहा है, और फिर उसके बाद रियल में उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। ठीक ओके, गॉट इट, थैंक यू मैम। है, ओके फाइन। सो आई गेस देर आर नो क्वेश्चंस नाउ। हेलो। जी बात कीजिए। हाँ हाँ मैम, ये पूछना था, मार्केट 3:30 बजे ठीक बंद हो जाती है, ठीक है, हाँ मुझे 3:25 पे एआरएम में लेना है और नेक्स्ट दिन के लिए लेता है, उसका प्रोसीजर मुझे प्रैक्टिकल में करके दिखाना जरा। नहीं, एआरएम जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है, ओवरनाइट ट्रेडिंग के लिए नहीं है। मतलब अगर आपने 325 को ट्रेड लिया एआरएम में, बराबर, हाँ तो 330 को जब आप एआरएम बंद करोगे तो वो ट्रेड भी आपका एआरएम से निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा एआरएम के अंदर। नेक्स्ट दिन जब आप एआरएम शुरू करेंगे तो सब क्लियर आ जाएगा, पर आपको आपके जीरोदा में जाके उस ट्रेड को हैंडल करना पड़ेगा। हाँ वो तो कैसा करते क्लियर? एआरएम जो है ये आपको सिर्फ इंट्राडे के लिए है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक, आपको अगर एमआईएस या फिर मतलब आपको अगर नॉर्मल ऑर्डर लेना है तो आप अंदर जाके ऑर्डर टाइप चेंज कर सकते हो। मतलब किसी को अगर 320 के बाद ट्रेड लेना है तो आप एमआईएस से नॉर्मल में जाके ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ब्रोकर जो है वो एमआईएस ऑर्डर दिन के 320 के आसपास बंद कर देते हैं, मतलब वो आपकी जो पोजिशन है वो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। तो आप नॉर्मल में जाके फिर ट्रेड कर सकते हो, और उसी दिन एग्जिट करना है, मतलब 330 के पहले ही एग्जिट करना है अगर एआरएम से आपको करना है तो। ठीक है, ठीक, ठीक, ओके। ओके फाइन। और कोई है? ओके, सो लेट अस क्लोज द सेशन। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट्स या फिर सवाल और इसके बारे में होंगे, एआरएम के बारे में, तो आप gabamentoring@gmail.com पे पिंग कर देना, मैसेज कर देना, मेल कर देना। ठीक है, वी विल रिस्पॉन्ड यू बैक। ये आज की रिकॉर्डिंग किस पे आएगी मैडम? टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएगी 1 से 2 दिन के बाद, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर। ठीक है, हेलो हेलो ओके फाइन। जी बात कीजिए। जी मैम। जी जी मैम मुझे एक क्वेश्चन था, ये जो जी टोटल रिस्क आपने दिया है 2%, सपोज मैं रखा है 2%, हाँ और निफ्टी में मैंने प्रॉफिट पॉइंट्स जो है 12% डिफॉल्ट, हाँ 12 पॉइंट्स का डिफॉल्ट, उसमें अगर मैं इसको 15 पॉइंट्स कर देता हूँ तो मेरा क्या रिस्क उसका बढ़ जाता है? नहीं, आपका रिस्क नहीं बढ़ेगा। प्रॉफिट पॉइंट जो है ये आपके टारगेट के लिए है, ये ऊपर अच्छा के लिए है, नीचे के लिए नहीं है। रिस्क जो है ये अगर नीचे के नीचे आया तो कितना रिस्क होगा, प्रॉफिट पॉइंट्स है अच्छा तो ऊपर गया तो मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए। ओके ओके। मतलब नीचे तो का दीज जो आर एग्जैक्टली अपोजिट। मतलब 2% जो मैंने रिक्स रखा है उतना ही रहेगा वो? जी, 2% जितना रिस्क रखा है उतना ही रहेगा। प्रॉफिट पॉइंट्स हाँ ऊपर के लिए है, 12 पॉइंट का स्टॉप, 12 पॉइंट का प्रॉफिट में, 12 पॉइंट का प्रॉफिट अंडरलिंग में, 15 पॉइंट का, आपको जो चाहिए वो आप रख सकते हो। अच्छा। ठीक है जी और मैम और एक बार और एक क्वेश्चन था, ये जो जी टोटल रिस्क और ये स्कैल्प नॉर्मल जो है,
हाँ इसका इससे क्या रिलेशन है? मतलब ये क्या पॉइंट से कनेक्टेड है या मतलब अमाउंट से कनेक्टेड है? ये जो स्टॉप लॉस एंड पॉइंट्स है, ये जो हाँ स्कैल्प है, ये स्टॉप लॉस एंड पॉइंट्स आपके अंडरलिंग के प्राइस के ऊपर आते हैं, ठीक है। अच्छा अंडरलिंग या फिर अगर ब्रेकआउट या फिर पुल बैक ले रहे हो तो इसके ऊपर आएंगे। मतलब ब्रेकआउट लिया है तो यहाँ पे जो होगा उससे आपका आएगा स्कैल्प 10-15 जो रखा है आपने, या फिर अगर ब्रेकआउट नहीं है, चार्ट है, तो आपके अंडरलिंग के प्राइस से आएगा। तो आप ये रख सकते हो, या फिर आपको अगर नॉर्मल रखना है तो आप नॉर्मल पे ट्रेड कर सकते हो। अब रिस्क जो है, ये रिस्क परसेंटेज अलग है, और स्टॉप लॉस जो है ये अलग है। ये अलग अलग दो पैरामीटर है, एक है ओके आपका स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स और दूसरा है रिस्क इन परसेंटेज, ठीक है। तो ओके वन इज मनी मैनेजमेंट एंड अदर इज रिस्क मैनेजमेंट, ओके 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 ये मैम, दोनों थैंक मिला यू। के आपकी क्वांटिटी आती है, ठीक। ओके मैम, थैंक यू मैम। फाइन, ठीक है। तो लेट अस क्लोज एंड द सेशन नाउ, ठीक है। किसी को कोई सवाल नहीं है? ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। थैंक यू फॉर योर टाइम मैम, टेक केयर। ओके थैंक यू। ओके ओके ओके।